हेलो हाँ जी, गुड इवनिंग भारती, गुड इवनिंग एंड गुड इवनिंग एवरीवन। सो अभी एक बार जस्ट बिफोर स्टार्टिंग द सेशन, मुझे इतना बताओ कि आवाज, ऑडियो और वीडियो जो है वो ठीक आ रहा है क्या? मैं भी अपने एंड पे एक बार चेक कर लेता हूँ। ठीक है, ठीक है। वॉइस फट रही है, थोड़ी थोड़ी वॉइस फटती है क्या इसमें भारती? तो आई एम स्टार्टिंग दिस सेशन। ये हमारा IAS मेंस GS पेपर 2020 का आज अपन पेपर डिस्कस करेंगे लाइव। 7:30 PM आपकी क्लास रहती है एंड माय नेम इज डॉक्टर अमित, HCS 2019 क्वालिफाइड एंड IAS 3 इंटरव्यूज। नाउ ये जो हमारा सेशन है इसमें अपन UPSC मेंस जनरल स्टडीज 2013 से लेकर 2021 तक के जो है पेपर जो अपन प्रीवियस ईयर के हैं वो सारे के सारे डिस्कस कर रहे हैं। GS पेपर 1 अपना सारा का सारा कंप्लीट हो चुका है एंड इसमें बाकी 13 सितंबर से पहले का अपने टारगेट रखा है। जो भी स्टूडेंट इस साल मेंस देने वाले हैं या अगले साल कभी भी 2023 2024 जब भी आप एग्जाम लिखने का टारगेट कर रहे हो, दीज पेपर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। ठीक है, तो अब इसमें जो मॉडल आंसर है ये मैं आपको बता देता हूँ। ये आपको मिलेंगे एप्लीकेशन पे, डॉक्टर अमित अकेडमी एप्लीकेशन। डाउनलोड द एप्लीकेशन, गो टू द स्टडी मटेरियल सेक्शन और उसमें आपको एक फोल्डर मिलेगा UPSC PYP मेंस मॉडल आंसर के नाम से। अब एप्लीकेशन का जो लिंक है वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप पेपर से एक दिन पहले, जैसे आज 2020 का डिस्कशन है तो इसके जो भी क्वेश्चंस हैं वो आप एक दिन पहले लिख के शेयर कर सकते हैं ऑन द टेलीग्राम ग्रुप। टेलीग्राम ग्रुप का भी जो लिंक है वो भी मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में शेयर कर रखा है। ठीक है, हमने इस सीरीज को इसलिए स्टार्ट किया है कि मैक्सिमम जो आपकी थीम्स हैं, जैसे मैं आपको बीच बीच में रिलेट करता हुआ चल रहा हूं कि आपकी जो रिपीट होती है बार बार पूछी जाती है, ताकि आपको एक कंप्लीट आइडिया रहे किन चीजों पर फोकस करना है, किन चीजों को अवॉइड करना है। ठीक है, तो ये शेड्यूल है, 13 तक हो जाएगा एंड उसके अलावा हमारा एक सुबह मॉर्निंग में चल रहा है UPSC समाचार लाइव 6:30 AM। इसको अपन अगले मंडे से ऑन पॉपुलर डिमांड अपन इसको 6 AM कर लेंगे। ठीक है, यानी नेक्स्ट मंडे से 2 दिन के बाद, तो उसमें अपन इसको 6 AM क्लब के नाम से ही रखेंगे और इसमें अपना सारा का सारा द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, PIV ये तीनों अपन कवर करते हैं, प्लस संसद की मैं आपको एक्टिविटीज के काइंड ऑफ टॉपिक देता हूँ प्रिपेयर करने के लिए, एक टॉपिक फ्रॉम दीज थ्री सोर्सेज और एक टॉपिक आपका संसद टीवी में से। ठीक है, तो अबाउट मी तो हो ही गया है, नाउ लेट अस स्टार्ट द सेशन। देखो, ओके, सिमरन गुड इवनिंग, विकास गुड इवनिंग, रवि, विवेक वेरी गुड इवनिंग। चलो ठीक है, सब लोग आ गए हैं, नाउ लेट अस स्टार्ट द सेशन। देखिए अगेन GS पेपर 2 सारा का सारा आपका पॉलिटी, IR और ये सब ज्यादा रहेंगे। इसमें हमने जो भी चीजें देखी थी, अब आपका सारा फोकस देखो, इसमें भी ऐसा ही है। शुरू में जैसे 150 वर्ड वाले ये 10-10 नंबर के क्वेश्चन हैं और बाकी बाद में आपके 250 वर्ड वाले आपके 15-15 नंबर के क्वेश्चन हैं। देखो ऐसे पेपर में क्या है, जो एक पहले मोटा मोटा मैंने आपको क्या बताया था, IBC एक आपको इंट्रो रखना है, एक आपको बॉडी रखना है और एक आपको थर्ड पे कंक्लूजन जो है वो इसमें ऐड करना है। ठीक है, अब इंट्रो, बॉडी और कंक्लूजन के हिसाब से आपको डायरेक्टली अटैक करना है बॉडी पे। इंट्रो में वही हम फैक्ट के बारे में बात कर सकते हैं, ठीक है, या फिर कोई भी जो कंटेक्स्ट है उसके बारे में आप बात कर सकते हो करंट से रिलेट करते हुए, या फिर आप कोई एग्जांपल दे सकते हैं जो उस पर्टिकुलर क्वेश्चन से रिलेटेड है, तो ये सारा का सारा अपना रहेगा। अब जो भी चीजें हैं हमें फाइंड आउट करना है कि क्या पैटर्न है, किस पैटर्न में सवाल पूछे जाते हैं आपके क्वालिटी, IR और इन सब में। ठीक है, तो वी आर स्टार्टिंग विद क्वेश्चन नंबर 1, जो मैंने आपको हमेशा बताया है आपको जो फोकस है वो किन चीजों पे करना है, आपका कीवर्ड से स्टार्ट करते हैं। नाउ लेट अस स्टार्ट। हिमानी गुड इवनिंग। देखो पहला, देयर इज नीड फॉर सिंप्लीफिकेशन ऑफ प्रोसीजर फॉर डिसक्वालिफिकेशन ऑफ पर्सन फाउंड गिल्टी ऑफ द करेक्ट प्रैक्टिसेस अंडर आपका RPA रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट। ठीक है, तो इसमें सारा का सारा जो मैटर है, अब अगर अपन बात करें तो ये RPA में अगर कोई भी डिस्क्वालीफाई होता है तो वो आपका कोर्ट में जाता है। ठीक है, नॉर्मली हम कहां जाते हैं, हाई कोर्ट में। प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट का कोई मैटर है तो आप कहां जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट में। बट हम RPA और इसकी बात कर रहे हैं MPs की, तो हाई कोर्ट में आपका मैटर जाता है। सारी की सारी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इन्वेस्टिगेशन और वो सब, प्रेसिडेंट उसको रिमूव करता है। ठीक है, तो ये प्रोसेस, ये कह रहे हैं कि कॉम्प्लिकेशन बहुत है, कॉम्प्लिकेटेड है, इसलिए डिलेज हो जाते हैं और डिले होने के कारण जो रिजल्ट है वो नहीं आ पाता। ठीक है, इसलिए बार बार डिमांड ये चल रही होती है कि भाई स्पेशल कोर्ट्स जो हैं
इलेक्शन डिस्प्यूट और इन सबसे रिलेटेड आपके बना देने चाहिए, ताकि जो मेन मुद्दा है उसको हम फास्ट तरीके से सॉल्व कर सकें और उसमें ज्यादा प्रॉब्लम ना रहे, ठीक है, एक सेकेंड, ताकि लोगों का जो मेन अपना ट्रस्ट है वो भी आपका डेमोक्रेसी में बना रहे। अब आप आरपीए दोनों की ही बातें कर सकते हैं, आरपीए 1950 1951। बेसिकली देखो 1950 तो जो प्रोसीजर वगैरह है उससे रिलेटेड बात करता है इलेक्शन के, और 1951 वो एक्चुअल कंडक्ट ऑफ द इलेक्शन की बात करता है। तो हम आरपीए 1951 जो है उसी में आपका प्रोवाइड कराया गया है, जो प्रोसीजर है डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ द पर्सन फाउंड गिल्टी ऑफ द करप्ट प्रैक्टिसेस, एंड सेक्शन 123 ऑफ आरपीए 1951 वो डिफाइन भी करता है कि करप्ट प्रैक्टिसेस आपकी क्या है, ठीक है। अब देखो इसका प्रोसीजर क्या है, सबसे पहले इलेक्शन पिटीशन, ठीक है, जो भी पर्सन है जो करप्ट पर्सन पाया गया है उसके खिलाफ एक पिटीशन जो है वो फाइल करी जाएगी आपके किसमें, हाईकोर्ट में। देखो आप किसी भी कॉन्स्टिट्यूएंसी से बिलोंग करते हो तो आपका वो जो पर्टिकुलर ज्यूरिडिक्शन जिस भी हाईकोर्ट में आएगा आपका उसमें फाइल करी जाएगी। हाईकोर्ट जो है वो जजमेंट देगा कि भाई एक्ट में, इस पर्टिकुलर एक्ट में अगर कोई पर्सन इज फाउंड गिल्टी, उसके बाद उस मैटर को रेफर किया जाएगा टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थ्रू सेक्रेटरी जनरल ऑफ राज्यसभा और लोकसभा और स्टेट लेजिस्लेचर ऑफ इंडिया। डिपेंड करता है कि आपका मेंबर ऑफ पार्लियामेंट किसके हैं, राज्यसभा के हैं, लोकसभा के, या फिर एमएलए आपके किसके हैं। तो ये प्रोसीजर समझना बहुत जरूरी है। प्रेसिडेंट जो है वो फिर अगेन मैटर को सेंड करेगा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को, इलेक्शन ऑफ कमीशन ऑफ इंडिया इसको फिर से एनालाइज करेगा सारा का सारा मैटर वर्डिक्ट हाईकोर्ट की, और फिर अपनी रिकमेंडेशन देगा, रिकमेंडेशन टू द प्रेसिडेंट। रिकमेंडेशन देने के बाद प्रेसिडेंट जो है वो इश्यू करते हैं नोटिफिकेशन फॉर डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर गिल्टी ऑफ करप्ट प्रैक्टिसेस, और उनको फिर बार किया जाता है कि भाई कंटेस्ट करना है नहीं करना है कुछ टाइम पीरियड के लिए भी और लंबे टाइम पीरियड के लिए भी, ठीक है। तो आपको इसमें दिख रहा है कि मतलब पहले तो पिटीशन फाइल हुई फिर आपका हाईकोर्ट में जाएगा, यहीं पे बहुत ज्यादा डिले हो जाता है, ओवरलोड भी रहता है। अगर स्पेशल कोर्ट रहेंगे तो सीधा ये भी अपना बहुत फास्ट प्रोसीजर हो सकता है। फिर उसके बाद देखो प्रेसिडेंट के पास मैटर आया, प्रेसिडेंट के पास यहाँ पे मान लो सेक्रेटरी जनरल है, थर्ड जो हमारा स्टेप है वो सेक्रेटरी जनरल, थर्ड के बाद हम फोर्थ आते हैं प्रेसिडेंट पे, प्रेसिडेंट से फिफ्थ आते हैं हम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पे, फिर अगेन हम सिक्स पे आते हैं प्रेसिडेंट पे। मतलब छह स्टेप अगर आप ऐसे करोगे तो टाइम तो लगना ही लगना है, और जिसको भी नोटिफिकेशन वगैरह जारी करना है या कुछ भी प्रोसीजरल एस्पेक्ट है तो उसमें तो हमेशा समय ही सबसे ज्यादा लगता है, इसीलिए ये जो प्रोसेस है उतना रेलेवेंट रहा नहीं है, बहुत कम ही इसका एक्सरसाइज होता है। तो इसको कहा जा रहा है कि इसको सिंप्लीफाई किया जाए। जैसे मान लो एंटी डिफेक्शन लॉ है, ठीक है, तो उसमें क्या है 10th शेड्यूल जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने डिसाइड किया दैट्स इट, ठीक है। तो इसमें हम हाईकोर्ट वाला जो मामला है हाईकोर्ट से सेक्रेटरी जनरल से प्रेसिडेंट, इसको हम बाईपास कर सकते हैं एक स्पेशल आपका इलेक्शन कमीशन का कोर्ट ही बना के, ठीक है। तो इससे भी अपन कर सकते हैं डायरेक्टली इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास मैटर आ जाए, वो एज ए ट्राइब्यूनल भी काम कर सकता है इस मैटर में, सिविल कोर्ट की तरह भी काम कर सकता है, और आपका जो भी रिकमेंडेशन देनी है वो डायरेक्टली प्रेसिडेंट को दे सकता है। तो इसकी ज्यादा जरूरत है, ठीक है, ताकि अगेन जो डिलेज है उनको कम किया जा सके, फास्टर डिलीवरी, एफिशिएंट डिलीवरी, एंड जो डेमोक्रेसी है उसमें आपका ट्रस्ट फिर से रिगेन किया जा सके। तो यही सारी बात रहेगी। नाउ नंबर वन नीड फॉर द सिंप्लीफिकेशन, क्यों, एड्रेसिंग द एम्बिग्यूटी, ठीक है, किसके पास जा रहे हो, कहां से जा रहे हो, कैसे कर रहे हो, तो ये सारा का सारा थोड़ा सा आपका क्लियर हो जाएगा। जजमेंट्स हैं डिले हो जाती हैं, कन्विक्शन रेट बहुत कम हो जाता है, अगर सालों साल फैसला चलेगा तो फिर करप्शन का यूज करके, अगेन देखो जो आदमी करप्ट प्रैक्टिसेस में पकड़ा गया तो अपने आप ऐसा आदमी भी ढूंढ लेगा जो करप्ट प्रैक्टिसेस थे उसको वहां से छुड़वा भी थे, ठीक है। जुडिशियल प्रोसेस आपका टाइम कंज्यूमिंग है, केसेस पेंडिंग रहते हैं हमारे हाईकोर्ट्स में, ठीक है। इलेक्शन पिटीशन एक बात और है, ये आपकी इलेक्शन कमीशन इलेक्शन जो है वो खत्म होने के बाद ही आप सबमिट कर सकते हैं, दो वन मोर डिले कि भाई इनऑर्डिनेट डिले हो जाते हैं इन द फाइलिंग ऑफ द इलेक्शन पिटीशन इन हाईकोर्ट। तो इसमें भी अपने को अवेयरनेस ड्राइव चाहिए कि मान लो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के टाइम पे आप करप्ट प्रैक्टिसेस में पकड़े गए, ठीक है, तो उसी टाइम पे आपके खिलाफ वो प्रोसेस जो है शुरू किया जा सके, ठीक है। ऑल्सो अगर हम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में बात करें, वहां पे भी इनएडिक्वेट स्टाफ है, डिलेज हो जाते हैं रिकमेंडेशन में, प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट के पास आया उसने पता नहीं कब उसको अपना जजमेंट सुनाएगा नहीं सुनाएगा, टाइम बाउंड हियरिंग की हमें बहुत ज्यादा जरूरत है, डिले जो हो रहे हैं वाइल रेफरिंग द डिसीजन टू हाईकोर्ट टू द प्रेसिडेंट ऑल्सो, ठीक है, एंड द नेचर ऑफ करप्ट प्रैक्टिसेस, वो दोबारा से इन्वॉल्व करके इस प्रोसेस को और ज्यादा तरीके से मतलब करप्ट एंड करप्ट फिर वो अपने आप मैच किया जा सकता है, ठीक है।
इसीलिए वी नीड व्हाट इज द वे फॉरवर्ड फास्ट ट्रैक कोर्ट्स एज रिकमेंडेड बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑल्सो कि भाई आप कुछ इलेक्शन कोर्ट्स बनाए फास्ट ट्रैक कोर्ट्स हो जो 6 months के अंदर अंदर आपका जजमेंट दें या फिर आप अगर हाईकोर्ट में कर रहे हो तो और ज्यादा बेंचेस स्पेशली इनके लिए बना सकते हैं। हम हाईकोर्ट में ही एक डिविजन बना सकते हैं जो इलेक्शन डिस्प्यूट्स को देखे, ये भी हो सकता है टू रिजोल्व द इलेक्शन पिटीशन। कन्विक्शन रेट आपको बढ़ाना पड़ेगा, करप्ट प्रैक्टिस चेक ऑन करनी पड़ेंगी बिफोर एंटरिंग द इलेक्टोरल प्रोसेस। देखो अगर वही जो हम बात करते हैं अगर लॉ ब्रेकर आपका लॉ मेकर बन जाएगा तो कैसे काम चलेगा, ठीक है। तो ये सारा का सारा हमारा मेजर पॉइंट आता है, तो इन्हीं सब चीजों को अपने को ध्यान में रखना है, ठीक है। अतुल गुड इवनिंग। चलो अब ये हमारा हो गया है, नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 2। समझ में आ गया। बीच बीच में आप लोगों को कोई भी रिकमेंडेशंस हैं आप अपनी तरफ से आंसर करना चाहते हो तो वो आप बता सकते हैं, ठीक है। एक सबसे पहले कमेंट निधि का भी आया हुआ है, मेंस के फॉर्म कब तक आएंगे, तो इसके बारे में कुछ भी कहना निधि अभी तो इट्स नॉट सो इजी, देखते हैं। चलिए देखो, रीसेंट अमेंडमेंट्स टू राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट विच हैव प्रोफाउंड इंपैक्ट ऑन द ऑटोनॉमी एंड द इंडिपेंडेंस ऑफ इंफॉर्मेशन कमीशन डिस्कस। बेसिकली क्या हो रहा था, सेंट्रल गवर्नमेंट का जो कंट्रोल है वो बढ़ाया जा रहा है, सैलरीज वगैरह, कंडीशन ऑफ सर्विस, ठीक है, सारी चीजें सेंट्रल गवर्नमेंट के कंट्रोल में, टेन्योर ऑफ द सर्विस कितने साल रहेंगे, कैसे रहेंगे, जो पहले आपका इन्होंने डाल रखा था जैसे 5, ठीक है, सीआईसी जो इसमें बनाया जाता था 5 और 65 इनका वो रहता था, ठीक है। तो अब इन सारी की सारी चीजों को हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट कंट्रोल करेगी, पहले प्रेसिडेंट वगैरह नोटिफाई करके उसको कर लेते थे, तो इसी वजह से आपका ऑटोनॉमी पे ज्यादा असर आ रही रहा है। देखो जितना ज्यादा इंटरफेरेंस रहेगा उतनी ही ज्यादा ऑटोनॉमी में गड़बड़, ठीक है। तो इसी के बारे में अपने को बात करनी है, पहले तो आप बताएंगे कि राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट है क्या और उसमें कौन से रिसेंट अमेंडमेंट करे गए हैं और फिर वो कैसे इसकी ऑटोनॉमी और इंडिपेंडेंस को, देखो इंडिपेंडेंस और ऑटोनॉमी कि भाई आपको फंड्स कहां से मिल रहे हैं, यानी सैलरीज वगैरह कहां से मिल, आपका स्टाफ वगैरह कहां से है, ठीक है, आपका टेन्योर है वो सिक्योर है क्या, ठीक है, आपने जो डिसीजंस वगैरह लिए उसके खिलाफ ऐसा कुछ नहीं हो सकता। तो ये सारी की सारी चीजें आपकी ऑटोनॉमी और इंडिपेंडेंस को जो है इंश्योर करती हैं, बट अगर इन्हीं में ही गड़बड़ करेंगे तो अपना खुदा ही गड़बड़ हो जाता है, ठीक है। तो इसी में है, देखो रिसेंट जो अमेंडमेंट सारे के सारे इसीलिए किए गए थे, अमेंडमेंट टू द आरटीआई एक्ट इन अकॉर्डिंग विद द लॉ कमीशन रिकमेंडेशन, सिंक्रोनाइजेशन ऑफ द ऑल स्टेट्यूटरी बॉडी इन द प्रोसेस ऑफ अपॉइंटमेंट टेन्योर सर्विस कंडीशन टू ब्रिंग यूनिफॉर्मिटी अमंग देम। बट एक जो हमारा सीआईसी और इंफॉर्मेशन कमीशन का जो आपका ऑफिस है इसमें बहुत सारे जैसे रेस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज्यादा हो जाती है, ठीक है, तो यहाँ पे गड़बड़ होने के चांसेस थोड़े से, मतलब अगर आप सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर और ये सब नहीं दोगे, अब आप कहो कि यूपीएससी को हम स्टेट्यूटरी जैसा बना दे, पहले तो डिमांड चल रही कि इसको स्टेट्यूटरी से किसी न किसी तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाए ताकि इसको और ज्यादा इंडिपेंडेंस मिले, ठीक है। नाउ व्हाट आर द क्राइटेरिया इन कॉन्स्टिट्यूशन टू एंश्योर इंडिपेंडेंस ऑफ इंस्टीट्यूशन, पहला आप उसकी सर्विस कंडीशन डिफाइन करें, आप क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, नंबर 2 टेन्योर कितने टाइम तक आप काम करोगे, 3 स्टेबिलिटी आप उसको ऐसे ही रिमूव नहीं कर सकते, ठीक है। वैसे तो इसके केस में रहता है कि भाई आपका जो रिमूवल है, ठीक है, वो हमारा एक तो सैलरी जो है, सैलरी सॉरी रिमूवल का ऐसा कुछ नहीं है, सैलरीज, ठीक है, वो इसमें रहती है। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस कि भाई आप जो फंडिंग है एक तो इंस्टीट्यूशन की और जो सैलरीज हैं उनको हम तरीके से कर सके, ठीक है। वैसे हमारा आरटीआई एक्ट जो है वो आपका 2005 से चला ही आ रहा है, ठीक है, थ्रू आरटीआई अमेंडमेंट एक्ट ये जो क्राइटेरियाज हैं, दीज क्राइटेरियाज दीज आर नॉट फिक्स्ड, दे विल बी डिसाइडेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। सो अमेंडमेंट सीवियरली डाइल्यूट्स द इंडिपेंडेंस ऑफ द इंफॉर्मेशन कमीशन। एग्जाम्पल देखो, वेल एस्टेब्लिश्ड प्रैक्टिस, लॉन्ग एंड सिक्योर टेन्योर होना चाहिए, वो खत्म हो जाएगा। रेन्यूमरेशन शुड बी चार्ज ऑन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, अब तो सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करेगी। रिकमेंडेशन सेंट्रल गवर्नमेंट रिकमेंड बाय रिफॉर्म कमीशन इन द पास्ट, ठीक है, ये सारी की सारी चीजें रहती हैं। तो बेसिकली देखो ये सारे की सारी रिकमेंडेशन आपकी पावर सारा का सारा किसके हाथ में हो गया, सेंट्रल गवर्नमेंट। आपने कोई भी इंफॉर्मेशन, देखो गवर्नमेंट की इंफॉर्मेशन है आप तो उसको आउट करोगे ही करोगे, ठीक है, क्योंकि आपके पास अगर आरटीआई आती है तो गवर्नमेंट तो नहीं चाहेगी कि वो इंफॉर्मेशन बाहर रहे, तो ऐसे ही और फिर अपॉइंटमेंट भी उसी हिसाब से रहेंगी।
कि मतलब अपने ही जैसे नेपोटिज्म और इस सब की अपन बात करते हैं, फेवरेटिज्म, तो ये ज्यादा देखने को मिलेगा, ठीक है। एंड इट इज ऑल्सो चैलेंजिंग द ऑटोनॉमी ऑफ द इंस्टीट्यूशन जो हमारा सीआईसी है, ठीक है। तो ये चार पांच पॉइंट ही रहते हैं जिसपे अपन ऑटोनॉमी की बात करते हैं मेजरली। अब गवर्नमेंट क्या कह रहा है, गवर्नमेंट स्टेटेड फॉर ब्रिंगिंग द अमेंडमेंट। पहला कि भाई मैंडेट जो आपका इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और जो सीआईसी एसआईसी का है वो अलग अलग है, क्योंकि इन्होंने सारी की सारी जैसे स्टेटस सर्विस कंडीशन जो है वो सेम कर रखी थी सीआईसी के अकॉर्डिंग ही, ठीक है। तो इन्होंने कहा कि सॉरी सीईसी, इससे अगेन अलग अलग ही करना पड़ेगा, इनको रेशनलाइज करना पड़ेगा अकॉर्डिंगली। सीआईसी हैज बीन गिवन द स्टेटस ऑफ सुप्रीम कोर्ट जज, जजमेंट्स जो है दे आर चैलेंज्ड इन द हाईकोर्ट ऑल्सो, ठीक है। मान लो इन्होंने कुछ कहा तो आप हाईकोर्ट में भी जा सकते हैं रिव्यू के लिए, यस, ठीक है। और आपका रिमूवल है वो भी ऐसे ही होता है एज अ सीआईसी का रिमूवल कैसे होता है बताइए। नेक्स्ट देखो, टू करेक्ट सर्टन एनोमलीज इन द आरटीआई एक्ट, नॉट टू डायल्यूट द एक्ट एनीवे, पास्ड इन अ हरी इन 2005। तो ये कह रहे हैं कि 2005 में जो हमारा एक्ट पास हुआ था वो ऐसे ही हमने जल्दीबाजी में पास कर दिया था, उसकी करेक्शन अब हमें 2022 में करनी पड़ रही है, सो दैट इज द थिंग, ठीक है। एंड दे आर सेइंग दैट दे आर स्ट्रेंथनिंग द ओवरऑल आरटीआई स्ट्रक्चर, ठीक है, बट द स्टोरी इज समथिंग एल्स। अब इसमें अगर आपको आगे कोई भी आर्टिकल मिलता है स्पेशली इससे रिगार्डिंग, 10 नंबर में इतना ही लिखेंगे मोर देन सफिशियंट, ठीक है। आपने एक्ट मेंशन कर दिया, उसकी कंडीशन ऑफ टेन्योर, ठीक है, सारी चीजें अपन ने मेंशन कर दी। कोई भी इंस्टीट्यूशन है देखो उसमें सोचना कैसे शुरू करना है। मान लो आदमी है, आदमी को आप पहले तो अपॉइंट करोगे, अपॉइंट किया तो अब वो जो काम कर रहा है, काम करने में इंडिपेंडेंस है क्या, ठीक है, उसमें तो कोई इंटरफेरेंस नहीं है, आप फ्रिक्वेंट ट्रांसफर कर रहे हैं, उसकी जो कंडीशन है सर्विस की वो कैसी है, ठीक है, वो बहुत ठीक ठाक होनी चाहिए, उसमें भी सेंट्रल गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए जो आप कर रहे हो। सर्विस कंडीशन के बाद हम बात करते हैं सैलरी कैसे मिलती है, भाई सैलरी तो ठीक है, अगर आपको रिमूवल का जो प्रोसेस है उसमें आपने सिक्योरिटी दे रखा है कि नहीं दे रखा, हर जगह सेंट्रल गवर्नमेंट की अगर इंटरफेरेंस आ गई है तो फिर अपना कैसे काम चलेगा, ठीक है। तो ये हमारा मुद्दा हो जाएगा क्वेश्चन नंबर टू। नाउ ठीक है हितेंद्र, ठीक है अंजू, गुड इवनिंग रवि। मिसबिहेवियर एंड इनकैपेसिटी में इट कैन बी रिमूव्ड, ठीक है, इंसॉल्वेंट है तो डायरेक्टली रिमूव किया जा सकता है, मिसबिहेवियर इनकैपेसिटी में आपका सुप्रीम कोर्ट इंक्वायरी। चलो ठीक है, अब हम आते हैं अगले सवाल पे। देखिए क्वेश्चन नंबर थ्री, हाउ फार डू यू थिंक कोऑपरेशन, कंपटीशन एंड कन्फ्रंटेशन हैव शेप्ड द नेचर ऑफ फेडरेशन इन इंडिया, साइट सम रीसेंट एग्जांपल टू वैलिडेट योर आंसर। देखो फेडरेशन इन इंडिया, फेडरेशन में आप सेंटर स्टेट की भी बात करेंगे, स्टेट स्टेट की भी बात करेंगे, तो इन दोनों कंटेक्स्ट में आपको बात करना है। देखो पहले हम बात करते थे जैसे आपका कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, ठीक है, बार्गेनिंग फेडरलिज्म, स्टेट्स ने बार्गेन करना शुरू किया, अब हमारा आ गया है कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म, ठीक है, जितने ज्यादा, पहले तो हमारे स्टेट उतने हमारे सक्षम नहीं होते थे, ठीक है, अब धीरे धीरे वो सक्षम हो गए हैं, तो कॉपरेशन से हम कंपटीशन पे आ गए, कंपटीशन से हम कन्फ्रंटेशन पे आ गए, अब वो और ज्यादा डिमांड कर रहे हैं, ठीक है, जैसे हमारा शेड्यूल 7 है तो उसमें जो भी डिमांड्स हैं, पहले सेंटर ने कुछ बोल दिया हो गया, बट उसके पीछे एक रीजन और भी है जो हमारी इंडियन डेमोक्रेसी धीरे धीरे इवोल्व हो रही है, ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि जो स्टेट गवर्नमेंट है वो अपने हिसाब से काम करिए, सेंट्रल अपने हिसाब से, पहले दोनों में ही हम क्या देखते थे, एक सिंगल पार्टी सिस्टम चलता था, मान लो कांग्रेस कांग्रेस चल रही है, अब भी काफी जगह ऐसा हो गया कि बीजेपी बीजेपी चल रही है, बट स्टिल कि मान लो रीजनल पार्टीज जो हैं उनकी भी अपनी इंपॉर्टेंस है, तो वो अपने हिसाब से काम कर रही है, प्लस सेंटर अपने हिसाब से काम कर रहा है, इसी वजह से जैसे अपन ने 14th फाइनेंस कमीशन और 15th फाइनेंस कमीशन को अगर अपन देखें, तो डिवोल्यूशन की आप बात कर लो, पैसा जो है वो ज्यादा दिया जा रहा है स्टेट्स को, इंडिपेंडेंस जो है वो ज्यादा दी जा रही है, जैसे जीएसटी आया तो जीएसटी कंपनसेशन की भी बात करी गई, ठीक है, जैसा लॉ एंड ऑर्डर वाला जो अपना इश्यू चल रहा है तो उसमें स्टेट काफी तरीके से कन्फ्रंट भी करते हैं, अगर कोई भी गड़बड़ करने का अपना एग्जाम्पल आता है तो, ठीक है, ऐसे ही क्रोनोलॉजिकली आप बात कर सकते हैं कि कैसे अपन इवोल्व हुए, ठीक है, स्टेट्स को कैसे ज्यादा से ज्यादा पावर दी गई, और इन बिटवीन द स्टेट्स भी स्पेशली कमिंग अप विद द नीति आयोग, ठीक है, आपस में स्टेट भी कैसे एक दूसरे से कोऑपरेट कर रहे हैं या कंपटीशन में आ रहे हैं विद
आपके एसडीजी, हेल्थ इंडिकेटर्स, एजुकेशन इंडिकेटर्स, वाटर इंडेक्स और इन सबको लेके, ठीक है। या फिर हमने डिवोल्यूशन किया जो पावर्स का, स्पेशली अगर हम फेडरेशन की बात कर रहे हैं तो ये हमारा बेसिकली क्या है, वर्टिकल फेडरेशन, ठीक है। वर्टिकल, वर्टिकल में क्या है, सेंटर स्टेट आपका, नीचे पंचायती राज। तो हमने पीआरआई, यूएलबी, इसका सारा का सारा जो मुद्दा है वो किसको दिया, स्टेट इलेक्शन कमीशन को। तो एक मतलब अच्छा खासा सा प्रोग्राम अपना चल रहा है, ठीक है। तो इन्हीं सब चीजों के बारे में अपन बात कर सकते हैं। ओके, कमेंट जो है मैं बाद में देख लूंगा। देखिए, पहला देखिए, नंबर वन, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, नोवेयर इन द कॉन्स्टिट्यूशन द नेचर ऑफ फेडरलिज्म एक्सप्लेन्ड एक्सेप्ट आर्टिकल वन, जहां पे इट डिक्लेयर्स रिपब्लिक ऑफ इंडिया एज द यूनियन ऑफ स्टेट। हमारे यहाँ पे फेडरल टर्म भी यूज नहीं करेंगे कि हम फेडरल हैं, ठीक है। हमें मतलब हमारा फेडरल है बट यूनिटरी टिल्ट है, एमरजेंसी में थोड़ा सा टिल्ट हो जाता है, ठीक है। अब बहुत सारे एग्जाम्पल आपको इसी में देने हैं, सेंटर और स्टेट रिलेशन में, स्टेट और स्टेट रिलेशन में भी, ठीक है। देखो, अगर अपन देखें ओवर द ईयर, हमारा इंडियन फेडरलिज्म इज शेप्ड बाय कोऑपरेटिव कंपिटिटिव एंड द कॉन्फ्लिक्टिंग डायनामिक्स इन द सेंटर स्टेट रिलेशन। देखो मेजर तो हम इसी के बारे में बात करेंगे, इन कोऑपरेटिव फेडरलिज्म सेंटर एंड स्टेट शेयर हॉरिजॉन्टल रिलेशन, ठीक है। सो दे कॉर्पोरेट कोऑपरेट इन द लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट, जैसा कि इसमें एग्जांपल आपका हो सकता है पीडीएस, मिड डे मील, हेल्थ, एजुकेशन। कॉन्करेंट लिस्ट में जो हमारे मैटर्स हैं वहां पे सेंटर और स्टेट तो आपस में कॉपरेशन के थ्रू ही काम कर रहे हैं, नंबर वन, ठीक है। ऐसे ही कॉपरेटिव का एक एग्जाम्पल हम देख सकते हैं 73rd, 74th अमेंडमेंट इंडिया, जिसके थ्रू इंडिया कन्फर्ड द कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस टू द लोकल बॉडीज, यानी आप कहीं ना कहीं स्टेट्स का जो पार्टिसिपेशन है उसको हम बढ़ा रहे हैं, मतलब सेंटर अपना कंट्रोल उतना नहीं कर रहा, ठीक है। थर्ड अगर अपन देखें, देखो कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म यानी बिटवीन सेंटर एंड द स्टेट गवर्नमेंट जो आपकी रिलेशनशिप है इज वर्टिकल एंड बिटवीन स्टेट गवर्नमेंट इट इज हॉरिजॉन्टल। अब जितने भी नीति आयोग वाले जो मैंने आपको एग्जाम्पल दिए वो आप यहां पे कोट कर सकते हैं, स्पेशली हमारा 1991 एलपीजी रिफॉर्म्स के बाद, ठीक है। वही रीजन है कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म ही, जिसमें आपके जो स्टेट हैं, अब हमारे 28 स्टेट्स हो गए हैं, ठीक है, पहले 28, 29, 28 ऐसे ही चला, 28 स्टेट हमारे हो गए हैं। तो इसमें जैसे तेलंगाना बना, उत्तराखंड बना, झारखंड बना, तो ये कहीं ना कहीं कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म का ही एग्जाम्पल है, ठीक है। और ज्यादातर क्यों रहा ये, द आइडिया ऑफ कॉम्पिटिटिव गेन सिग्निफिकेंस आफ्टर 1990 इकोनॉमिक रिफॉर्म, क्योंकि फ्री मार्केट इकोनॉमी, अब जो जितना ज्यादा कॉम्पिटिटिवली अवेलेबल रहेगा, रिफॉर्म्स करेगा, वही उतना अच्छे से काम कर पाएगा, ठीक है। तो यही रहा, द एंडोमेंट्स ऑफ द स्टेट, अवेलेबल रिसोर्स बेस, देयर कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, ऑल फॉस्टर अ स्पिरिट ऑफ कॉम्पिटिशन। देखो एग्जाम्पल, जैसे राजस्थान का कंपेरेटिव एडवांटेज अलग है, वहां पे सनलाइट आपको मिल सकती है, रेगिस्तान आपको मिल सकता है, ठीक है। बट अगर हमारा झारखंड की बात करें, छत्तीसगढ़ की बात करें, वहां का कंपेरेटिव एडवांटेज आपका क्या है, मिनरल्स। नॉर्थ ईस्ट का कंपेटेटिव एडवांटेज हमारा क्या है, फॉरेस्ट, ट्राइबल्स, ठीक है। तो ऐसे ही आपके अलग अलग रहेंगे। कोस्टल एरियाज का जो कंपेटेटिव एडवांटेज है, जैसे केरला, वहां पे क्या रहेंगे हमारा, टाइडल एनर्जी या फिर थोरियम, ठीक है। तो इन सब के बारे में हम बात कर सकते हैं। तो इन द पोस्ट रिफॉर्म एरिया का पीरियड 1991 के बाद हम कह सकते हैं कि जो मेन कैरेक्टर ऑफ इंडियन फेडरलिज्म एंड हैज हेल्प्ड डिफिकल्ट लैंड एंड लेबर रिफॉर्म रोल ओवर अक्रॉस द कंट्री, यही हुआ। अब देखो जैसे अपन ने बात करा था इन्हीं सब चीजों, अब आप मॉडल एक्ट तो प्रोवाइड करा ही रहे हो, बीच बीच में थोड़ा सा टशल तो चलता रहता है, बट उसमें भी इंडिपेंडेंस रहती है आपकी स्टेट के पास, आप उसमें उनको एक गाइड सा करते रहते हैं, ठीक है। तो कोऑपरेशन चलता ही रहता है। इश्यूज क्या है कन्फ्रंटेशन के, देखिए, अदर देन कोऑपरेटिव एंड कॉम्पिटिटिव, अनदर फैसेट ऑफ द इंडियन फेडरलिज्म इज आवर कन्फ्रंटेशन। कन्फ्रंटेशन हमने जितना, जैसे सीबीआई वाला अपन ने एग्जाम्पल देखा था, एनआईए का जो आपका एग्जाम्पल है, ठीक है, क्राइम और इन सब में, या फिर मॉडल टेरेंसी एक्ट आप ले लो, कोऑपरेटिव का एग्जाम्पल आप ले लो, ठीक है। अभी अपन ने रिसेंटली देखा था, सॉरी, जो आपका 93rd अमेंडमेंट एक्ट, जिसमें पार्ट 9B आपका स्ट्रक डाउन किया गया बाय सुप्रीम कोर्ट, तो वो भी एक टशल था, ठीक है। ऐसे ही और हमारे टशल क्या हो सकते हैं, जैसे गवर्नर को लेके सेंटर स्टेट में गड़बड़ चलती रहती है, प्रेसिडेंट को लेके
इनमें कन्फ्रंटेशन चलता रहता है, ऑल इंडिया सर्विसेज को लेके कन्फ्रंटेशन चलता रहता है, इमरजेंसी के प्रोविजन है उनको लेके कन्फ्रंटेशन आपका चलता रहता है, जीएसटी के टाइम भी बहुत ज्यादा कन्फ्रंटेशन आपका चला था, ठीक है। तो ये सारे एग्जाम्पल हम इसमें कोट कर सकते हैं जहां पे दोनों के बीच में थोड़ा थोड़ा मुद्दा चलेगा। एनआरसी जो हमारा रिसेंट एग्जाम्पल है, कई स्टेट्स ने मना कर दिया हम नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये सारे के सारे चीजें आप इसमें मेंशन कर सकते हैं, देयर आर मल्टीपल ऑफ पॉइंट ऑन कन्फ्रंटेशन, ठीक है। इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट की भी आप बात कर सकते हो, और इन सबको बढ़ाने के लिए हमारे पास जो जो ऑर्गेनाइजेशन हैं हम उनको कोट करके यहाँ पे लिख भी सकते हैं, ठीक है। तो देखो जैसे कन्फ्रंटेशन के हमारे पास कौन सी इंसिडेंट है, एनआरसी, सीबीआई, ड्यू टू सेंट्रलाइज टेंडेंसी इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो मेनी टाइम कन्फ्रंटेशन इज सीन, एग्जाम्पल प्रेसिडेंट, गवर्नर, ऑल इंडिया सर्विस, इमरजेंसी, ठीक है, और जीएसटी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू। तो ये हमारे हैं एग्जाम्पल, साथ साथ अपन कर रहे हैं। सम रीजन ऑफ कन्फ्रंटेशन आर, एक तो स्ट्रॉन्ग रीजनल पार्टीज, ठीक है, जैसे मान लो तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल, महाराष्ट्र, नहीं तो उतना कन्फ्रंटेशन ना हो। रीजनलिज्म, कम्युनलिज्म, ये जितना ज्यादा बढ़ेगा उतना ही ज्यादा कन्फ्रंटेशन के चांसेस आपके ज्यादा रहते हैं। सेंट्रलाइज्ड अमेंडमेंट पावर्स, ठीक है, जैसे मान लो कुछ बिल्स जो हमारे हैं, मान लो प्रेसिडेंट के आपके उसके लिए रिजर्व करने पड़ते हैं, तो वो भी हमारा किस में आ जाएगा, कन्फ्रंटेशन के कंटेक्स्ट में। और ये तो अपन ने देख लिया, गवर्नर, अनइवन इकोनॉमिकल ग्रोथ, एक्सटर्नल फोर्सेस, आर्म्ड फोर्सेस, कई बार इंटरनल सिक्योरिटी के मैटर में आप डिप्लॉय कर देते हैं, ठीक है, तो वहां पे भी कन्फ्रंटेशन होने के चांसेस रहते हैं। और अनइवन इकोनॉमिकल ग्रोथ के कारण भी जो वीक, इसमें देखो जीएसटी वाला बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, जैसे हमारे जैसे साउथ इंडिया के जो स्टेट्स हैं प्लस ईस्ट के जो हमारे हैं, नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट के, तो यहाँ पे क्या है नॉर्थ इंडिया में, यूपी, बिहार और इन स्टेट्स में साउथ इंडिया, इनका टैक्स रेवेन्यू बहुत हाई है, बट हमारा फाइनेंस कमीशन उसमें से ज्यादातर किसको भेज देता है, आपके वीक स्टेट्स को। बट एज ए हमें यूनिट भी देखना पड़ेगा कि यार हम एज ए यूनिट, एज ए इंडिया एज ए यूनिट हम किस तरीके से फंक्शन कर सकते हैं, प्लस आपका कि भाई इन सब चीजों में कैसे हम साथ में रह भी सकते हैं, हर चीज कन्फ्रंटेशन नहीं होगी, ठीक है। तो ये हमारे हो जाएंगे, आई होप इसमें काफी कुछ अपना डिस्कस हो गया है। क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है भारती, प्रेसिडेंट कैन रिमूव इफ इंसॉल्वेंट नॉट फिट, चाहिए हो गया हमारा, एंड इन एडिशन ही कैन रेफर टू द सुप्रीम कोर्ट फॉर प्रूफ, बिल्कुल। गुजरात टूरिज्म, कर्नाटका स्टेट एल्कोहल कोऑपरेटिव सब्जेक्ट, एग्रीकल्चर, हेल्थ, जीएसटी, ठीक है, एग्रीकल्चर वाले जो ये मॉडल फार्मिंग एक्ट और ये सब लेके आए थे तो उसमें भी गड़बड़ हो गया था। गवर्नर, बिल्कुल। डेस्टिनेशन बेस्ड जीएसटी, बिल्कुल बिल्कुल सही सिमरन, ठीक है, वेरी गुड। चलो ठीक है, एल्कोहल रेवेन्यू वाला भी अच्छा पॉइंट है विवेक, बिल्कुल। देखो यही पॉइंट्स आपको निकाल के लेके आने हैं, ठीक है, ये सारे के सारे आपके रहेंगे, मेंशन हो गए हैं। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 4, देखो जुडिशियल सिस्टम इन इंडिया एंड यूके सीम्स टू बी कन्वर्जिंग एज वेल एज डाइवर्जिंग, आपको एक चीज समझ में आ रही है, हमने यूएसए और इसका कंपेयर किया तब भी हमारे पास इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं हर बार, एक दो साल में ऐसा यही लैंग्वेज में आता है, कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग, कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग, मतलब या फिर अलग टर्म्स में, देर आर सम सिमिलैरिटीज, देर आर सम डिसिमिलैरिटीज, इस कंटेक्स्ट में ये आपका रहेगा, ठीक है। इन द रीसेंट टाइम हाईलाइट द की पॉइंट्स ऑफ कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस बिटवीन द टू नेशन इन टर्म ऑफ देयर जुडिशियल प्रैक्टिस। तो अगर अपन एक चीज देखें पॉलिटी में, इंडिया का जो है आपको यूएसए से कंपैरिजन, यूके से कंपैरिजन, अब पॉलिटी में कुछ भी हो सकता है, आपका लेजिस्लेचर से, एग्जीक्यूटिव से, जुडिशियरी से मेनली, तो ये हमारे तीन ही इंस्टीट्यूशन रहेंगे जिसमें आप यूएसए और यूके से तो कंपेयर करेंगे ही करेंगे, प्लस हम यूएसएसआर से थोड़ा सा ले सकते हैं, ठीक है, क्योंकि हमारे मेजरली ज्यादातर जो चीजें हैं वो हमने यूएसए और यूके से ही लिए, तो उस हिसाब से अपना रहेगा। इसको आई विल बी रीडिंग डायरेक्टली। देखो जुडिशियरी इन बोथ द कंट्रीज इंडिया एंड यूके, इट इज फ्री, इंडिपेंडेंट, मैंडेटेड टू इंप्लीमेंट रूल ऑफ लॉ एंड रेंडर जस्टिस टू द पीपल ऑफ रेस्पेक्टिव कंट्रीज। यस, व्हाट आर द कन्वर्जेंस, जो हमने कॉमन चीजें रखी, देखो रूल ऑफ लॉ, ठीक है, दोनों में ही रहा, आर्टिकल 14 राइट टू इक्वालिटी,
वो भी हमारे जुडिशरी का एक मेजर पिलर जिसको हम बोल सकते हैं. तो देखो जुडिशरी फ्रॉम बोथ द कंट्रीज मैंडेट टू एनफोर्स द रूल ऑफ लॉ डू इट थ्रू देयर जजमेंट ऑन वेरियस इश्यूज. ठीक है, तो ये रूल ऑफ लॉ पे ही फॉलो करते हैं और हमने ब्रिटिश से ही लिया है. देखो कानून बना दिया है जिसने भी बना दिया, मतलब जो कंपिटेंट अथॉरिटी है उन्होंने बना दिया, अब ये सब पे एप्लीकेबल रहेगा. ठीक है, फिर देखिए सेपरेशन ऑफ पावर. जैसे हमारे यहाँ पे लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव जुडिशरी सेपरेशन ऑफ पावर है, वैसे ही कॉशियस वाइल एक्सरसाइजिंग जुडिशियल पावर. हमारे यहाँ पे भी जुडिशरी जो है वो जनरली हम जुडिशियल एक्टिविज्म और जुडिशियल ओवररीच की बात करते हैं, बट फिर भी कहीं ना कहीं उतना मतलब कोशिश तो रहती है. कई बार आपकी जुडिशरी की ऐसी ये भी आती है कि हम एग्जीक्यूटिव और इनकी अथॉरिटी में इंटरफेयर नहीं करें. ठीक है, ऑल्सो ऐसे ही इंडिपेंडेंस की अगर आप बात करो, देखो ब्रिटेन में भी द जजेस आर प्रोवाइडेड विद स्टैट्यूटरी सिक्योरिटी. जैसे हमारे यहाँ पे जजेस एक्ट है, ठीक है, वैसे ही यहाँ पे भी अपॉइंटमेंट करी जाती है क्राउन के द्वारा फ्रॉम अमंग द मिडल एज ग्रुप मेंबर्स ऑफ द बार. इंडिया में भी सिमिलर मॉडल है विद सम मॉडिफिकेशन, अपॉइंटमेंट कॉलेजियम सिस्टम से करी जाती है बट इंडिपेंडेंस इंश्योर रखी जाती है. ठीक है, एग्जीक्यूटिव उतना इंटरफेयर नहीं करते. आपके अपॉइंटमेंट में रिकमेंडेशन सीजीआई प्लस आपके टू सीनियर मोस्ट सुप्रीम कोर्ट जज ही करते हैं. ठीक है, एक्टिव जुडिशरी है. ठीक है, मुद्दे पे नए नए मुद्दों पे आपके अच्छे अच्छे जजमेंट्स आते रहते हैं. जैसे कि इवन दो जुडिशरी इज नॉट ए वेरी स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन इन यूके विज़ाइविस एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर. देखो यूके में क्या है, अब ये डाइवर्जेंस में ज्यादा आएगा कि भाई यूके में पार्लियामेंट सॉवरेन है, हमारे यहां पे कॉन्स्टिट्यूशन सॉवरेन है. ठीक है, तो ये चीज हमें ध्यान में रखनी है, इसलिए ये डाइवर्जेंस कन्वर्जेंस रहेगा. तो यहां पे एग्जीक्यूटिव और आपके लेजिस्लेचर ज्यादा पावरफुल है या फिर स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन है एज कंपेयर टू योर जुडिशरी, बट स्टिल वेरी एक्टिव एंड हैव हर्ड केसेस ऑफ क्रिटिकल सिग्निफिकेंस. सेम गोज विद इंडियन जुडिशरी. अब देखो यूके के हमें एग्जाम्पल तो नहीं पता, हम मोटे मोटे तौर पर ही बात करेंगे. अगर पढ़ते पढ़ते मान लो न्यूज़पेपर रीडिंग इसीलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट रहती है, यहाँ पे हमें ज्यादा इस टाइप के एग्जाम्पल मिलते हैं. ये चीजें मोस्टली कोचिंग्स वगैरह में आपकी उतनी कवरअप नहीं होती, ये स्टूडेंट ड्यूरिंग द प्रिपरेशन ही बार बार कवर करते हैं ज्यादातर टाइम. ठीक है, अच्छे तरीके से अगर कवर करना है तो देखिए सेम विद इंडियन जुडिशरी वेरियस इंपॉर्टेंट जजमेंट्स, जैसे कि सेम सेक्स मैरिज अपन ने देखा ही था. ठीक है, राइट टू प्राइवेसी, अडल्ट्री और इन सब पे अडल्ट्री भी अबोलिश हो चुका है, तो ये सुप्रीम कोर्ट में रही. नाउ सम डाइवर्जेंस इज देयर. नंबर वन देखो ऑर्गेनाइजेशन, इंडिया में जैसे हमारे पास सिंगल इंटीग्रेटेड यूनिटरी जुडिशरी है इन इंडिया, तो यूके जो हैज नो सिंगल यूनिफॉर्म ऑर्गेनाइजेशन ऑल थ्रू आउट द कंट्री. जुडिशियल सिस्टम आपका इंग्लैंड का वेल्स का ऑलमोस्ट सिमिलर है. The guiding principle, procedure, organization of judiciary in England, Scotland, Ireland, वो आपस में भी different है. हमें ज्यादा डिटेल में नहीं जाना, बस इतना सा ही ध्यान रखो कि हाँ जी है, हाँ जी नहीं है, बिल्कुल है. ठीक है, बस सीख लो, यहाँ पे लर्निंग के लिए ही है. Absence of administrative control, देखो unlike India, UK does not have separate administrative courts. हमारे यहाँ पे administrative courts है, बताइए कौन से आर्टिकल में है. ट्राइब्यूनल्स की जो हम बात करते हैं, एब्सेंस ऑफ जुडिशियल रिव्यू. इंडिया में तो जुडिशियल रिव्यू हमने कहां से लिया था, इंडिया में जुडिशियल रिव्यू लिया गया है आपके यूएसए से, तो ये हमारे यहां पे नहीं है. जो अपन ने बात करी थी सुप्रीमेसी ऑफ द पार्लियामेंट, यूके में आपकी सॉवरेन मानी जाती है पार्लियामेंट. ठीक है, एंड डज नॉट अलाउ एनी स्कोप फॉर द जुडिशियल रिव्यू फॉर द कोर्ट्स. इंडिया में जुडिशियल रिव्यू तो चल ही रहा है भाई, जुडिशियल एक्टिविज्म जुडिशियल ओवररीच की फॉर्म में भी. ठीक है, वहां पर ऐसा कुछ नहीं है, वहां पे पार्लियामेंट ही ज्यादा काम करेगी. ठीक है, बिल्कुल कंटेंट कंटेंप्ट ऑफ कोर्ट पावर यूज्ड एक्सक्लूसिवली बाय द इंडियन जजेस. ठीक है सिमरन, वेरी गुड, इसको भी अपन ऐड कर सकते हैं कंटेंप्ट ऑफ कोर्ट. ठीक है, ये हमने एक्ट से दी ही हुई है. हाँ, ट्राइब्यूनल 323 ए 323 323 ए 323 323 ए 323 बी में तो सेपरेट हो जाता है. चलो
अब हम आते हैं आगे। देखो मैंने आपको क्या कहा था, स्पीकर का जो आपका ऑफिस है, ठीक है, इसके बारे में हम बार बार बोलते रहते हैं, कहते रहते हैं, ठीक है, कि यार ये बहुत ही बायस तरीके से काम कर रहा है, इनको चेंज करने की जरूरत है, ठीक है। तो देर आर सम थिंग्स, मतलब इसमें आप एग्जांपल्स देते हुए, स्पीकर जनरली क्या करेगा, या तो बिल को पास करने में गड़बड़ कर दे, एनसीएम के टाइम पे गड़बड़ कर दे, वोटिंग के टाइम पे गड़बड़ करवा दे, डिस्क्वालिफिकेशन के टाइम पे गड़बड़ करवा दे, मतलब बेसिकली जो भी इसके फंक्शन है उनमें कोई ना कोई गड़बड़ स्पीकर करवा ही देता है, ठीक है, ये चलता ही रहता है। तो क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, वंस अ स्पीकर ऑलवेज अ स्पीकर, ठीक है। तो ये आई थिंक हमारा यूके में ही प्रैक्टिस करी जाती है या फिर जर्मनी में, ठीक है, बताओ किस में करी जाती है, मैं थोड़ा सा कंफ्यूजन है, बट हाँ इन दोनों में से ही किसी एक कंट्री में ऐसा होता है। देखिए, तो डू यू थिंक द प्रैक्टिस शुड बी अडॉप्टेड टू इम्पार्ट ऑब्जेक्टिविटी टू द ऑफिस ऑफ स्पीकर ऑफ द लोकसभा, व्हाट कुड बी द इम्प्लीकेशन फॉर द रोबस्ट फंक्शनिंग ऑफ द पार्लियामेंट्री बिजनेस इन इंडिया, ठीक है। देखो मेरे हिसाब से, ठीक है, ओके भारती, 323 ए और 323 बी दोनों ही हैं, ठीक है, वो 323 और इसका एक और भी था, कुछ तो चीज थी, 338 बी के कंटेक्स्ट में चल रहा था क्या, चलो कोई नहीं, देशवालोजी इंप्रूविंग, ठीक है, 323, ओके, न्यू स्टूडेंट, चलिए गुड। देखो यूके, ठीक है, देखो अब पहली चीज स्पीकर जो है इसमें देखो कुछ गड़बड़ है नहीं, मेरे हिसाब से तो कुछ इसमें ज्यादा दिक्कत आनी नहीं चाहिए, हमें ऐसा ही करना चाहिए कि एक बार आप स्पीकर बन गए, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर हम स्पीकर को, आप कहते हो कि भाई हमने एक्सेप्शन ले रखा है एंटी डिफेक्शन लॉ में, आप मेंबर ऑफ पार्टी भी रहोगे, अगर आप पार्टी के मेंबर हो तो डेफिनेटली आप उसके गड़बड़ करोगे ही करोगे, नेचुरल है, ठीक है, आप इस ऑप्शन को ही खत्म कर दो, आप स्पीकर के बाद दोबारा से पार्टी में ज्वाइन करने जाओगे तो आपको फिर से कोई पोजीशन चाहिए, ठीक है। तो ये जो इंसेंटिव्स हैं या फिर आपके करप्शन के कारण हो सकते हैं, तो उनको हम किस तरीके से कर सकते हैं, ये चीज हमें ध्यान में रखनी है। पहले एक बार इसको देख लेते हैं, देखो स्पीकर हाँ होल्ड्स इंपॉर्टेंट पोजिशन इन द इंडियन पार्लियामेंट, सॉरी, हेड ऑफ द लोकसभा एंड रिप्रेजेंटेड रिप्रेजेंटेटिव वास्ट वेरिड एंड द वाइटल रेस्पॉन्सिबिलिटी वीवीवी इन द रिसेंट टाइम सीवियरली क्रिटिसाइज इश्यूज क्या है, देखो डिस्क्रिशनरी जो पावर है इन्होंने मिसयूज करी, जैसे कि डिक्लेरेशन ऑफ ए बिल एज अ मनी बिल, एग्जाम्पल आधार बिल एज अ मनी बिल इंट्रोड्यूस किया, बहुत ही ज्यादा क्रिटिसिज्म हुआ, इवन सुप्रीम कोर्ट ने भी, ठीक है, जस्टिस चंद्रचूड़ उन्होंने भी कहा था कि इस तरीके से आप क्यों काम कर रहे हैं, ठीक है, ये हमारा रहेगा। फिर देखिए, फेवरिंग पॉलिटिकल पार्टी एंड रिमेनिंग बायस टू द पार्टी इन मेजोरिटी एज स्पीकर, क्योंकि यूजुअली आपका उसी पार्टी से इलेक्ट होता है, ये तो आप देख ही रहे हैं, डिस्क्वालिफिकेशन में भी देख रहे हैं, ठीक है, आपने देखा होगा यहां वाले, एक तो टाइम पीरियड इसका नहीं दे रखा, ठीक है, देखो सबके रिकमेंडेशन ऐसे ही चलते हैं, मान लो जहां पे स्पीकर डिस्क्वालीफाई कर रहा है वहां पे कह रहे हैं कि प्रेसिडेंट को पावर दे दो, जहां पे प्रेसिडेंट डिस्क्वालीफाई करेगा वहां पे कहेंगे कि किसी और को पावर दे दो, इंडिपेंडेंट ट्राइब्यूनल बना दो, इसी टाइप से सारा का सारा अपना चलेगा, ठीक है। देखो लेस टाइम अलॉटेड टू द ऑपोजिशन मेंबर इन द हाउस टू डिबेट एंड डिस्कस, ये भी एक बहुत कंसर्निंग चीज है, आप बिल्स जो पास करवा रहे हैं विदाउट डिबेट एंड डिस्कशन विद इन मिनट्स सेकेंड्स बिल पास हो रहे हैं, क्वेश्चन फॉर द डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ अंडर एंटी डिफेक्शन, एक बार टाइम बहुत ज्यादा लेते हैं, ठीक है, किसी डिसीजन के लिए एक बार बहुत ही कम टाइम में आप सस्पेंड कर रहे हैं, रिसेंटली भी ऐसा देखने को मिला था, बहुत सारे एमपी आपके सस्पेंड कर दिए गए थे, वो बैठे हुए थे धरना देके कि भाई ये हमारे साथ क्या कर दिया, तो बायसनेस इन्हीं सब मैटर्स में आपकी जनरली देखने को मिलेगी, और एनसीएम वाला भी पॉइंट हो जाएगा हमारा, वोटिंग बिल, ये सारी की सारी चीजें अपन ने देख ही ली है, ठीक है, तो ये आपका हो गया। नाउ देखो कन्वेंशन ऑफ वंस ए स्पीकर ऑलवेज ए स्पीकर आपके यूके में होती है, इससे क्या है कि हमारे जो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है कि आप दोबारा से पार्टी में जाके जाने वाले हैं, ये खत्म हो जाएगा, इट इज अ वेरी गुड इनिशिएटिव, ये रिफॉर्म रिकमेंड किया जाता है। देखो ब्रिटिश स्पीकर इज इलेक्टेड एट द बिगनिंग ऑफ द पार्लियामेंट बाय एंड फ्रॉम अमंग द मेंबर ऑफ द हाउस ऑफ कॉमन, हमारे यहां भी ऐसा ही होता है, स्पीकर सर्व्स ऑल सीवियर्स ऑल टाइम विद द पॉलिटिकल पार्टी व्हाइल इन ऑफिस कंसिडर्ड असेंशियल दे सीन एज एन इंपार्शियल प्रेजाइडिंग ऑफिसर। देखो ऐसा कहा जाता है जस्टिस सिर्फ होना ही नहीं चाहिए, होते हुए दिखना भी चाहिए, आपने स्पीकर का ऑफिस अगर बनाया है तो उसको इंपार्शियल ही बनाए, एक ही तो मेंबर है उसको आप हटा दो भाई पार्टी से, ऐसा क्या हो गया,
और फिर उसी को बनाओ जो इस टाइप की रेस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए रेडी रहे आफ्टर लिविंग द ऑफिस. स्पीकरली स्पीकर जो है नॉर्मली टेक्स नो पार्ट इन द पार्टी पॉलिटिक्स सिट एज अ क्रॉस बेंचर. सो स्पीकर ऑफ द आउटगोइंग पार्लियामेंट स्टिल अ मेंबर ऑफ द हाउस एंड विलिंग टू बी री इलेक्टेड ही कैन डू सो री इलेक्टेड एज मेनी टाइम्स एज ही वॉन्ट चेंज ऑफ पार्टी नॉट मेक एनी डिफरेंस. ठीक है बेसिकली इसमें कि भाई आप पार्टी अगर बदल के दोबारा आने चाहें तो वापस आ सकते हैं. यूके के कंटेक्स में अपन बात कर रहे हैं तो वो सारा का सारा है ये हमें बचा. ठीक है इम्प्लीकेशन क्या रहेंगे देखो एक तो जैसे ही इसका रोल अनबायस्ड हुआ तो सारा प्रोसेस स्मूथ हो गया. डिबेट होंगे डिस्कशन होगा डिस्क्वालिफिकेशन टाइम से होगा आप बायस नहीं रहोगे पॉलिटिकल पार्टी के जो आपका पावर में है. ठीक है तो ये सारी की सारी चीजें हैं मोर ट्रांसपेरेंट हो जाएंगे अकाउंटेबल हो जाएंगे. ठीक है जनरल जो बड़े बड़े वर्ड्स होते हैं ना उनको भी डाल सकते हो. ठीक है देखिए नाउ इट विल लीड टू मोर कॉम्प्रिहेंसिव डिस्कशंस डिबेट्स इन द पार्लियामेंट. नंबर वन ब्रिंग मोर क्रेडिबिलिटी टू द इंस्टीट्यूशन ऑफ द स्पीकर. यस लोगों में भी ट्रस्ट आपका जनरेट होगा. ठीक है एंड नंबर थ्री लीड टू ऑब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन ऑफ द इश्यूज रेदर देन सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन. क्योंकि देखो नेचुरल है जो भी ह्यूमन है वो इस टाइप के नेचुरल बायस रखेगा. मैं भी हूं आप भी हो अगर मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग करते हुए ही उसी पार्टी का मेंबर होते हुए अगर मैं स्पीकर बनूंगा तो मैं कहीं ना कहीं अपनी पार्टी को फेवर करूंगा. बिकॉज अब जब आपने पार्टी छोड़ ही दी तो वो अटैचमेंट रहा ही नहीं. जैसे आपने देखा होगा जब तक आप कॉलेज में रहते हैं ठीक है टेल मी इफ यू एग्री और नॉट कॉलेज में जब तक हम रहते हैं कॉलेज से पूरी अटैचमेंट रहती है. ठीक है आप उसको बिल्कुल वहां के बादशाह की तरह रहते हो एक से लेके पांच चार पांच जितने भी साल जैसे हमारे यहाँ 5.5 साल का था तो रहे. बट जैसे ही आप कॉलेज से बाहर निकलते हैं ठीक है वो अटैचमेंट तो है कि हमारा कॉलेज था आप उसमें दोबारा जाओगे तो थोड़ा फील होगा पर वो जो 5.5 साल आप थे जब उसके मेंबर थे कॉलेज के जब स्टूडेंट थे एज ए स्टूडेंट जो अटैचमेंट थी और जो अथॉरिटी आप उस कॉलेज पे डालते हो अपने लिए क्या वो तब रहती है बाद में नहीं रहती. तो ऐसा ही है जैसे ही आप मेंबर अपनी पार्टी से अलग हो जाएंगे तब हम कह सकते हैं कि काफी हद तक भाई वो चीजें ना भी देखने को मिले. ठीक है तो हमें चाहिए कि हम इसको इंप्लीमेंट करें. बैलेंस्ड एम्फेसिस टू द ऑपोजिशन पार्टी उनको ज्यादा अपॉर्चुनिटी मिलेगी उनके वॉइसेस को कंसर्न्स को आप लेके आएंगे. ठीक है प्लीज कह देते हैं तो ये हमारा हो गया है. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 6 देखो इन ऑर्डर टू एनहांस समझ में आ रहा है 323 बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट बट 323 बी बाय द एसजी एंड सीजी. ठीक है स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट हाँ वो अलग अलग रहता है. 323 ए इज ठीक है यूपीएससी के कंटेक्स्ट में. हाँ दो सौ 227 पावर ऑफ सुपरिंटेंडेंस ओवर ऑल द कोर्ट्स इन द ट्राइब्यूनल थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ हाई कोर्ट. ठीक है रवि वेरी गुड एस्ट्रोलॉजी बिल्कुल सही. ठीक है बार बार इसीलिए कॉलेज में रहते हैं जैसे रंग दे बसंती में बोलता है आरडीवी कि भाई मैं इस कॉलेज में बार बार क्यों रहता हूँ. ठीक है ऐसा लगता है कि भाई डीजे की इतने कोई औकात है तो वो फील होता है कॉलेज से बाहर निकलते ही लाइफ आपको नचाती है. ठीक है डिम लक लक तो वो चलता है वो फील भी होता होगा सब लोगों को कि भाई कॉलेज से निकल कॉलेज में जब तक है तब तक राजा हो घर वाले भी खर्च करेंगे बाहर निकलने के बाद घर वालों के ताने भी सुनने को मिलेंगे. ओके देखो क्वेश्चन नंबर 6 इन ऑर्डर टू एनहांस द प्रोस्पेक्ट्स ऑफ सोशल डेवलपमेंट साउंड एंड एडुकेट हेल्थ केयर पॉलिसीज आर नीडेड पर्टिकुलरली इन द फील्ड ऑफ जेरियाट्रिक एंड मैटरनल हेल्थ केयर डिस्कस. देखो इसमें ज्यादा कुछ है नहीं सिंपल सा आप सारी चीजें समझ सकते हो. ये हमने जो सोशल इश्यूज में जितनी बातें करी देखो इन ऑर्डर टू एनहांस द प्रोस्पेक्ट ऑफ सोशल डेवलपमेंट साउंड और एडुकेट हेल्थ केयर आप जेरियाट्रिक को दो क्योंकि ओल्ड एज पॉपुलेशन आपकी बढ़ती जा रही है. मैटरनल को दो क्योंकि मैटरनल मोर्टेलिटी रेट भी कम होगी प्लस जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है वो भी कम होगी आगे जाके वही हमारे इसमें बनेंगे. तो इसमें आप बहुत सारे पॉइंट्स में बात कर सकते हैं बस आपको लिंक उसको करना है सोशल डेवलपमेंट से. ठीक है
और हेल्थ केयर पॉलिसी साउंड और अच्छी होनी चाहिए कि भाई हमारी अभी 8% पॉपुलेशन मोर देन 60 है, ठीक है, 2040 तक आते आते हमारी 20% पॉपुलेशन हो जाएगी, 2040 या 50 तक ऐसा कुछ है, ठीक है। तो जैसे जैसे इनका बढ़ेगा तो वैसे वैसे अपना मतलब हमें और ज्यादा इस पे फोकस करने की जरूरत है। तो ये दोनों हमारे बहुत ज्यादा, अब इन दोनों में बात करेंगे, एक तरफ हम जेरियाट्रिक केयर की बात करेंगे, एक तरफ मैटरनल केयर की, व्हाई दिस व्हाई दैट, ऐसे ही चलेगा, ठीक है। तो सोशल डेवलपमेंट हम इंट्रोडक्शन में रख सकते हैं कि इट इज अबाउट इंक्लूसिव रेजिलियंट सोसाइटी एंड ओवरकमिंग ऑब्स्टेकल, जो कि प्रिवेंट करते हैं लोगों को फ्रॉम फुली पार्टिसिपेटिंग इन द सोसाइटी। इंडिकेटर्स क्या हो सकते हैं हमारे कि भाई एडवांसमेंट जिस सोसाइटी की, हेल्थ, एजुकेशन, वुमेन एम्पावरमेंट, इन सब में एडवांसमेंट रहेगी वो और ज्यादा बेटर है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट, एनवायरमेंटल स्टेबिलिटी, दीज आर क्रिटिकल फॉर पॉवर्टी रिडक्शन एंड इंक्लूसिव डेवलपमेंट ऑल्सो, ठीक है। तो ये सारे के सारे अपने हो जाएंगे। नेक्स्ट जो हमारा है, जैसे देखो हेल्थ एंड सोशल डेवलपमेंट पे जो हमारा फोकस है पहला क्यों होना चाहिए, देखिए हेल्थ पे जो हमारा फोकस है, जब तक आपकी पॉपुलेशन जो है, चाहे हम चाइल्ड के कंटेक्स्ट में बात कर ले, चाहे हम गर्ल्स के कंटेक्स्ट में बात कर ले, ठीक है, जेंडर के कंटेक्स्ट में बात कर लो, ओल्ड एज के कंटेक्स्ट में बात कर लो, हेल्दी पॉपुलेशन जब तक नहीं रहेगी क्या वो पार्टिसिपेट कर सकता है? जब तक आप पार्टिसिपेट नहीं करोगे क्या इकोनॉमिकल डेवलपमेंट हो सकती है? ठीक है, तो ये सारी की सारी चीजें ऐसे लिंक्ड है। हेल्थ इज इंट्रिंसिक टू सोशल एंड इकोनॉमिकल डेवलपमेंट एज अ डिटरमिनेंट एंड अ मेजर ऑफ प्रोग्रेस एंड आउटकम, ठीक है। तो सारा का सारा, चाहे वो सोशल हो, रिप्रोडक्टिव हेल्थ हो, दीज आर इंटरकनेक्टेड, ठीक है। अब यहां पे आप वुमेन हेल्थ की भी बात कर सकते हैं और ओल्ड एज हेल्थ की भी बात कर सकते हो, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज जो ग्रोथ हमारी है सोशल डेवलपमेंट में, इट इज एक्सपेक्टेड टू इंप्रूव विद हेल्थ, ठीक है, क्योंकि जो डेज है हम बोलते हैं डेली, जैसे डेली एडजस्टेड लाइफ ईयर्स, मान लो कोई आदमी एडजस्टेड, कोई आदमी अपनी लाइफ के 30 इयर्स तक वो रहा, उसमें से 2-3 साल उसकी बीमारी में ही निकल गए, ठीक है, तो उसको जो लॉस हुआ इंडिविजुअल लेवल पे, सोसाइटल लेवल पे, वो बहुत ज्यादा रहेगा। तो इसीलिए हमको इन सब चीजों पे ज्यादा फोकस करने की जरूरत है। इंप्रूवमेंट इन द हेल्थ आउटकम्स इंक्रीजेस सोशल डेवलपमेंट, ये सारी चीजें लिंक्ड है। एंड सोशल डेवलपमेंट फोकसेस ऑन इंप्रूविंग द कैपेसिटी टू एनहांस स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ। जेरियाट्रिक पे अगर अपन बात करें, क्योंकि देखो हमारी ओल्ड एज पॉपुलेशन, आप उस फैक्ट को डाल सकते हैं कि हमारी रेगुलरली बढ़ रही है, प्लस इनका जो पार्टिसिपेशन है वो भी हमारा बढ़ेगा। देखो इसमें अलग अलग एग्जाम्पल्स हम दे सकते हैं, जैसे कि जर्मनी जो है वहां पे हमारे होते हैं इंटरजनरेशनल हाउसेस, जिसमें आपके ओल्ड एज प्लस चिल्ड्रन वो आपस में मिलकर रहते हैं। देखो ओल्ड एज को क्या चाहिए? बच्चों का प्यार, बच्चों को क्या चाहिए? उनकी केयर। तो जैसे हमारे यहाँ पे फैमिली सिस्टम है वैसे जर्मनी में ऐसे बनाए जा रहे हैं, तो उनको केयर भी मिल जाएगी, पहली चीज। ऐसे ही जैसे मान लो एम्स है, एम्स ने रिसेंटली जेरियाट्रिक केयर पे, स्पेशली ऑनलाइन जेरियाट्रिक केयर पे फोकस करना शुरू किया है, ये भी एग्जाम्पल हम दे सकते हैं, ठीक है। ऑल्सो हम अपने जो खुद की, हम रूरल सोसाइटी या फिर हमारा जो पुराना ज्वाइंट फैमिली सिस्टम है उसके थ्रू कैसे जेरियाट्रिक हेल्थ केयर पे फोकस कर सकते हैं, आप वो भी एग्जाम्पल दे सकते हैं, ठीक है। नाउ देखिए विद एडवांसिंग द एज, जो हमारे सीनियर सिटीजन है, दे कोप विद हेल्थ एंड एसोसिएटेड प्रॉब्लम। अब यहां पे देखो इनकी सारी की सारी हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, सोशल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, ये सारी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है और हमें हर चीज पे कंसंट्रेट करना पड़ेगा। मे बी क्रॉनिक हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे अगर आप बीमार होते हैं तो आपको 2-3 महीने भी जाना पड़ जाता है, ठीक है, ऑफ मल्टीपल नेचर, तो लगातार एक अटेंशन की रिक्वायरमेंट रहती है। एंड अ कैरी ऑफ डिसेबिलिटी, रिस्क ऑफ डिसेबिलिटी, कॉन्सिक्वेंट लॉस ऑफ ऑटोनॉमी, क्योंकि कोई इनके डिसीजन मेकिंग पे अब ज्यादा फोकस नहीं करता, उतना ध्यान नहीं दिया जाता, स्पेशली वैन अकम्पनीड बाय इम्पेयर्ड फंक्शनल कैपेसिटी, कि भाई मान लो अगर आप चल नहीं पा रहे, ठीक है, सुन नहीं पा रहे या फिर मूव नहीं कर पा रहे, तब और ज्यादा हमारे प्रॉब्लम है। तो इट रिक्वायर्स लॉन्ग टर्म मैनेजमेंट ऑफ द इलनेस एंड द नर्सिंग केयर, स्पेशली जैसे मान लो कोविड के टाइम पे अपन बात करते हैं, तो होम केयर आजकल ये कंसेप्ट बहुत ज्यादा ग्रो कर रहा है, इसका भी आप एग्जाम्पल दे सकते हैं
कि कैसे होम केयर के थ्रू भी ऑनलाइन हम प्रोवाइड करा रहे हैं, ठीक है, तो उसके थ्रू आप जेरियाट्रिक हेल्थ केयर पे फोकस करें, सपोर्टिंग हेल्थी एजिंग ऑफ फॉर ऑल सीनियर्स टू एड्रेस एज रिलेटेड एलिमेंट सर्विसेज सच एज प्रिवेंटिव केयर, रिहैबिलिटेशन, जेरियाट्रिक केयर, इनको आपको प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा। कुछ एग्जाम्पल आप कोट कर सकते हैं, जैसे राष्ट्रीय वयोश्री योजना, ठीक है, वयोश्रेष्ठ सम्मान, वरिष्ठ पेंशन बीमा योजना, जिनके थ्रू हम इनको सोशियो इकोनॉमिकल सपोर्ट दे रहे हैं, इंटीग्रेटेड प्रोग्राम फॉर ओल्डर पीपल। नेक्स्ट है हमारा मैटरनल हेल्थ केयर। देखो मैटरनल हेल्थ केयर इज रिलेटेड टू टू थ्री थिंग्स, एक तो आपका MMR, एक आपका IMR, एंड देन जो हमारे चाइल्ड है, ठीक है, और एडोलेसेंट, उनकी हेल्थ केयर। अब ये सारी की सारी चीजें लिंक्ड है, क्योंकि चाइल्ड इज योर फ्यूचर, तो हमें इस पर बहुत ज्यादा फोकस करने की जरूरत है। अभी थोड़ी सी सिचुएशन कॉम्प्लिकेटेड है, बट फिर भी इंडिया, जैसे अपन ने MMR और इसके जो रेट्स देखे थे, हम बहुत ज्यादा इंप्रूव कर चुके हैं पहले से, ठीक है, 300 के आसपास हमारा MMR होता था 15-20 साल पहले, बट अब कितना, 110-120 के आसपास पहुंच गया एग्जैक्टली, एक बार उसको देख लेंगे, ठीक है। तो इसमें हम जैसे जननी सुरक्षा योजना, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, लक्ष्य जो लेबर रूम क्वालिटी इंप्रूवमेंट की जो स्कीम है, ठीक है, इन पे अपन फोकस कर सकते हैं, प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान सुमन जिसको अपन बोलते हैं, जो 9th ऑफ एवरी मंथ आप इसमें फ्री चेकअप जो प्रोवाइड कराते हैं, वो सारा का सारा अपने रहेगा, ठीक है। तो ये सारे एग्जांपल देके हम इसको लिंक कर सकते हैं सोशियो इकोनॉमिकल से, ठीक है। डिसिप्लिन लाइफ सर सुनने आए, इसकी बुक से करवा रहे हो क्या सब? देखो इसमें मेजरली जो हमने फॉलो किया है, एक तो जो मेरे नोट्स थे प्रीवियस ईयर पेपर के, प्लस आपकी जैसे अरियंत की प्रीवियस ईयर पेपर की बुक आती है, और एक दिशा पब्लिकेशन की बुक आती है, ठीक है, प्रीवियस ईयर पेपर की। तो दिशा पब्लिकेशन को ज्यादा फॉलो किया गया है, एंड प्रीवियस ईयर जो नोट्स थे, एंड स्टडी IQ, उसमें भी एक सर हैं, उनका नाम तो मुझे नहीं पता, तो उन्होंने भी लेक्चर्स लिए थे पहले, तो मैंने जब प्रिपरेशन करी थी तो मैंने उनके लेक्चर्स देखे थे, तो इन सारे सोर्सेज को हमने कंपाइल किया है। शून्य IAS के नोट्स मैंने नहीं देखे हैं, और मे भी हो सकता है कि शून्य IAS ने भी वहां से, क्योंकि ये स्टैंडर्ड सोर्सेज हैं, जैसे अरियंत है, दिशा है, या स्टडी IQ है, इनको अपन फॉलो करते ही हैं, तो मे भी हो सकता है उन्होंने भी वहीं से किया, तो मे भी सिमिलैरिटी इस वजह से लग रही हो, ठीक है। बाकी हमने डायरेक्टली शून्य IAS से ऐसा कुछ भी नहीं लिया है। कमिंग टू द 7th, देखो इंस्टीट्यूशनल क्वालिटी इज क्रूशियल ड्राइवर ऑफ इकोनॉमिकल परफॉर्मेंस, ठीक है। इन दिस कंटेक्स्ट सजेस्ट रिफॉर्म्स इन सिविल सर्विसेज फॉर स्ट्रेंथनिंग डेमोक्रेसी। जैसे इससे रिलेटेड पहले भी अपन बात कर रहे थे, जैसे बीच में आई थिंक भारती ने भी बोला था या सिमरन ने बोला था, इंस्टीट्यूशनल फोकस पे जो अपनी बात चल रही थी, कि जब तक, देखो एक पहले एक आर्टिकल भी आया था और एक बात ये भी बोली जाती है, व्हेन इंस्टीट्यूशंस फेल्स आपका नेशन फेल्स, ठीक है। अब ये इंस्टीट्यूशन जो है वो हमारे मल्टीपल हो सकते हैं, जैसे हमारे लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, या फिर हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव वाले, ठीक है। तो इसको आपको लिंक करना है। अब यहां पे कीवर्ड क्या है, इंस्टीट्यूशनल क्वालिटी की ड्राइवर है आपका इकोनॉमिकल परफॉर्मेंस का, तो इसमें सिविल सर्विसेज के रिफॉर्म हमें सजेस्ट करने हैं, क्योंकि देखो अब मेजरली जो बात है सिविल सर्विसेज के कंटेक्स्ट में, अब बात करेंगे कि व्हाट आर द प्रॉब्लम्स जो सिविल सर्विसेज फेस कर रहा है, जिसकी वजह से कि भाई इकोनॉमी में ग्रोथ नहीं हो पा रही, या फिर हमारी डेमोक्रेसी उतनी स्ट्रेंथन नहीं हो पा रही है, ठीक है। तो इन सारों को अपन लिंक करेंगे कि कैसे इसको सोल्व किया जा सकता है। जैसे सिविल सर्विसेज की मेजर प्रॉब्लम क्या बोली जाएंगी, रेड टेपिज्म, आपके पास कोई मुद्दा आ गया है, फाइल्स आ गई हैं, पड़ी रहती हैं, डिलेज होते रहते हैं, ये सब किया जाता है। एपैथिक एटीट्यूड बोला जाता है, जैसे आज ही एक आर्टिकल शेयर किया गया था कि भाई IAS जो है, ठीक है, दे हैव फेल्ड इंडिया, या फिर इंडिया की जो ग्रोथ मे बी बेटर हो सकती थी अगर इस इंस्टीट्यूशन की जो पावर्स और वो सब हैं उसकी वजह से जो करप्शन वाले इश्यूज इतने हैविली आते हैं, ठीक है, जिनमें सिविल सर्विसेज
हाँ सिविल सर्वेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, तो वो वाली भी बातें आप इसमें इन्वॉल्व कर सकते हैं। करप्शन एक जो मुद्दा रहेगा, ठीक है, ये हो सकता है। एफिशिएंसी, देखो सिविल सर्विसेज एक आप कंपेयर करो गवर्नमेंट बॉडी को प्लस एक प्राइवेट बॉडी को, क्या उतना एफिशिएंट है, ठीक है, तो ये हमारे रहेंगे। फिर जैसे सिविल सर्विसेज रिफॉर्म्स मैंने आपको बैच में करवाए थे, तो उसमें अपन ने देखा था कि भाई रूल बेस्ड इनका ज्यादा रहता है, तो रूल बेस्ड फॉलो करने के कारण ये आपके इनोवेटिव उतने नहीं होते, ठीक है। तो इनोवेशन बहुत ज्यादा जरूरी है कि भाई मान लो टेक्नोलॉजी हमें अडॉप्ट करनी है, बट आपको उसके लिए सारे लेजिस्लेशन और ये सब करने पड़ेंगे, तो उसमें टाइम भी बहुत लगता है, ठीक है। मान लो किसी पुअर को कोई हेल्प चाहिए, बट आप यहाँ पे बहुत ही ज्यादा टाइम और ये सब उसमें लगा देते हैं, उतना हमारा सिस्टम भी है। तो ये सारा का सारा जो कॉलोनियल लेगेसी आपकी चली आ रही है उसके बारे में भी हम बात करते हैं स्पेशली, तो ये भी हमें आप बहुत सारा मॉडिफिकेशन करने की जरूरत है, स्पेशली आपके जो हम बोल सकते हैं कि जो लेजिस्लेशन इनको गवर्न कर रहे हैं, सर्विस रूल्स इनको जो गवर्न कर रहे हैं उनके कंटेक्स्ट में, एंड बाकी जो उनका एटीट्यूड है उसके भी कंटेक्स्ट में, ठीक है। तो देखिए, अब देखो जब तक इंस्टीट्यूशन की क्वालिटी में आपकी इंफ्रास्ट्रक्चर आएगी, आपके ह्यूमन रिसोर्सेज आएंगे, उनका जो फंक्शनिंग का जो तरीका है वो भी आएगा, ठीक है। तो ये सारे के सारे हमारे रहेंगे। नाउ लेट अस लुक, देखिए नंबर वन, इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर कंटिन्यूड इवन आफ्टर इंडिपेंडेंस, दे अडॉप्टेड न्यू लिबरल डेमोक्रेटिक पॉलिटी, क्वालिटी इन द डेमोक्रेसी आर डिटरमाइंड हाउ सक्सेसफुल द गवर्नमेंट मशीनरी अडेयर टू द प्रिंसिपल ऑफ पब्लिक सर्विस, रूल ऑफ लॉ, सोशल जस्टिस। देखो जब तक आप पब्लिक सर्विस में डिलीवरी नहीं करते हैं, जब तक आप रूल ऑफ लॉ फॉलो नहीं करते या सोशल जस्टिस पे फोकस नहीं है, क्या आपकी जो स्ट्रक्चर है उसका कोई फायदा है? नहीं। तो नाउ फर्स्ट लुक कि भाई इंपॉर्टेंस क्यों है सिविल सर्विसेज की, कि उनको रिफॉर्म करने की आवश्यकता क्या है, क्योंकि वो चीज इंपॉर्टेंट होगी तभी, क्योंकि वो लिंक्ड है हर चीज से। देखो सिविल सर्विसेज के थ्रू ही सारी पब्लिक सर्विसेज की डिलीवरी करी जाती है, इन्हीं के थ्रू ही लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करा जाता है, रेवेन्यू जो जनरेट होता है वो भी इन्हीं के थ्रू होता है। अगर हम इन्हीं को रिफॉर्म नहीं करेंगे, यही सारी चीजें हैं मेन, जो काम है गवर्नमेंट का सारा तो सिविल सर्विसेज कर रही है, तो वो अगर हम उसको रिफॉर्म नहीं करेंगे तो ये सारे काम इफेक्ट होंगे। अगर आप पब्लिक सर्विस डिलीवरी नहीं कर पा रहे हो तो क्या लोगों को सर्विसेज मिली? नहीं मिली तो काम ही क्या? लॉ एंड ऑर्डर अगर आप मेंटेन नहीं कर पा रहे हो, लोग सेफ सिक्योर फील करेंगे? नहीं करेंगे तो क्या? रेवेन्यू अगर आप अच्छे से जनरेट नहीं कर पा रहे हैं, कलेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो क्या आप मेजरली और इन पॉइंट्स पे काम कर सकते हो कि भाई डेवलपमेंट और ये सब नहीं कर सकते? जितना आएगा उसको आप करप्शन में लेके चले जाएंगे, ठीक है। तो ये व्हाट इज इंपॉर्टेंस, देखिए नो गवर्नमेंट विदाउट एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी कैन फंक्शन, दीज आर द बेसिस ऑफ गवर्नमेंट, दीज आर द इंस्ट्रूमेंट ऑफ सोशल चेंज एंड इकोनॉमिकल डेवलपमेंट। कैसे? जैसे मान लो हेल्थ, एजुकेशन, रोड, रेलवे, एविएशन, जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर पे सिविल सर्विसेज के थ्रू फोकस होता है वो आपके इकोनॉमिकल डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं ना, बिल्कुल। FDI, FII, इस टाइप के जो रिफॉर्म्स आप लेके आते हैं उससे भी हमारा इकोनॉमिकल डेवलपमेंट होता है। दे आर रेस्पॉन्सिबल फॉर इंप्लीमेंटिंग लॉज, एग्जीक्यूटिंग पॉलिसीज फ्रेम्ड बाय द गवर्नमेंट ऑल्सो, ठीक है। तो ये सारा का सारा इस पे फोकस रखते हैं, गिविंग द एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप सेंस ऑफ स्टेबिलिटी एंड द कंटिन्यूटी, ठीक है। देखो दोनों चीजें चलेंगी, एक तो जो पुराना है वो स्टेबल रहे और जो नया है उसके हिसाब से चेंज भी होता रहे, ठीक है। दोनों ही चीजें हमारी इंपॉर्टेंट हैं। नाउ देखिए सिविल सर्विसेज रिफॉर्म अंडरटेकन सिंस 2014 ट्रांसफॉर्म सिविल सर्विसेज, अभी हम क्या कर रहे हैं, ठीक है, टू मेक इट ड्राइवर ऑफ द इकोनॉमिकल ग्रोथ एज एन इंस्टीट्यूशन बेस्ड ऑन मैक्सिमम ऑफ मिनिमम गवर्नमेंट एंड मैक्सिमम गवर्नेंस, मैक्स मिन, इसको अपन बोलते हैं मैक्स मिन, ये मैक्सिमम नहीं है, मैक्स मिन, मैक्सिमम गवर्नेंस मिनिमम गवर्नमेंट, मतलब ज्यादा से ज्यादा हम जो रेड टेपिज्म ब्यूरोक्रेटिक एटीट्यूड है उसको सोल्व करके लोगों को पीपल सेंट्रिक ज्यादा से ज्यादा हम इसको बना सके, ठीक है। तो इसमें देखिए रिफॉर्म्स क्या है, या तो आप परफॉर्म करो या पैरिश। पॉइंट इज कि भाई वॉलंटरी रिटायरमेंट बहुत सारे लोगों को दी गई, ठीक है, इनकी परफॉर्मेंस जो है इवेल्युएट करी गई, 360 डिग्री इवेल्युएशन चल रहा है। तो ये सारे के सारे पॉइंट्स चल रहे हैं, कोड ऑफ एथिक्स इनकॉर्पोरेट किया गया, स्पैरो, ठीक है, ये एक सॉफ्टवेयर है
जो भाई डेली लॉग्स और ये सब मेंटेन करके रखता है, कौन आया कैसे आया, ये सब सिविल सर्विसेज से रिलेटेड है, ठीक है। प्रोबिटी, आप जो काम कर रहे हो वो सही कर रहे हो नहीं कर रहे हो, ठीक है। प्रोबिटी एंड सोल पता नहीं क्या है, छोड़ो। प्रगति, जो हमारा इंटरेक्टिव प्लेटफॉर्म है जहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट, कैबिनेट सेक्रेटरीज और आपका जो स्टेट गवर्नमेंट सेक्रेटरीज हैं वो सारे मिलते हैं एंड मतलब मॉनिटर भी करते हैं एक दूसरे को, ठीक है, तो वो सारा हो जाता है। इंटीग्रिटी, एबिलिटी टू परफॉर्म एज बेसिस ऑफ इवैल्यूएटिंग परफॉर्मेंस, बेसिकली आउटकम ओरिएंटेड एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। जब तक देखो इनपुट तो सब जगह मिलेगा, जब तक आउटकम नहीं मिल रहा, जो अच्छा परफॉर्म कर रहा है उसको हम अवार्ड्स दें, जो अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है पेनल्टी, पेनल्टी इन द फॉर्म ऑफ नॉर्मली रिटायरमेंट, ठीक है। हम इनका जो डिस्क्रिशन है उसको कम से कम कर रहे हैं। एनहांसिंग अकाउंटेबिलिटी मैकेनिज्म, कैसे, एग्जाम्पल आपका टेक्नोलॉजी का यूज, इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल आप डाल सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे ई पासपोर्ट जो कॉमनली अपन यूज करते हैं, ठीक है, तो उसमें ये हो जाएगा, आधार हो जाएगा हमारा, जेम ट्रिनिटी, डीबीटी, इन सारों में हमने इनका डिस्क्रिप्शन जो है वो खत्म कर दिया। देखो हमने क्या देखा था, मैड, मैड इक्वल्स टू करप्शन, मोनोपोली, एम इज मोनोपोली, अगर मोनोपोली ज्यादा है, मेरे हाथ में ज्यादा पावर है तो मैं ज्यादा करप्ट होने के चांसेस हैं। माइनस अकाउंटेबिलिटी, अगर आप अकाउंटेबल नहीं हो, आपसे कोई पूछने वाला नहीं है क्या कर रहे हो कैसे कर रहे हो, तो वो माइनस हो जाएगा। डिस्क्रिशन, अगर आपने डिस्क्रिशन ज्यादा दे दिया किसी को तो वो भी उसका ज्यादा मिसयूज करेंगे, तो हम इसको रिड्यूस कर रहे हैं। ऐसे ही एक हमारे पास स्कीम है मिशन कर्मयोगी, जिसमें आप कैपेसिटी बिल्डिंग कर रहे हैं सारे के सारे स्टेट और गवर्नमेंट एम्प्लॉयज की। सो वी आर मूविंग फ्रॉम रूल टू रोल बेस्ड, कि आपका काम सिर्फ रूल करना नहीं है, ठीक है, आपका जो रोल मिला है आप उसको अच्छे से परफॉर्म करें। सो इट इज बेस्ड ऑन द फिलोसॉफी ऑफ रिफॉर्म, परफॉर्म एंड ट्रांसफॉर्म। अब स्कीम्स देखो, जैसे थ्रू डीबीटी ऊपर अपन ने बात करी, और भी बहुत सारे आप इसमें डाल सकते हो, उज्ज्वला, बीबीपी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, सबके साथ सबका विकास, ठीक है, एक्सेट्रा। दे प्लेड इंस्ट्रूमेंटल रोल इन द सक्सेस ऑफ सच स्कीम, स्ट्रेंथन द डेमोक्रेसी एंड इमेज ऑफ सिविल सर्विसेज। मिशन कर्मयोगी इंप्लीमेंटेड अलोंग विद अदर रिफॉर्म्स, रीडिफाइंड इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर ऑफ द सिविल सर्विसेज, स्ट्रॉन्गली लिंक्ड टू इकोनॉमिकल परफॉर्मेंस एंड स्ट्रेंथनिंग डेमोक्रेसी। और इसमें हम एग्जाम्पल दे सकते हैं, जैसे हमारा लेटरल एंट्री, ठीक है, सिविल सर्विसेज रिफॉर्म वाला टॉपिक बहुत डिटेल में अपन ने कर रखा है, ये उसका एक एस्पेक्ट है, ठीक है। लेटरल एंट्री के थ्रू भी हम जो अच्छे अच्छे इंटेलिजेंट लोग हैं उनको यहाँ पे लेके आ रहे हैं, तो वो भी एक हमारा प्लस पॉइंट रहेगा, ठीक है, ये आपका जाए। नाउ क्वेश्चन नंबर 8 देखो, ब्यूरोक्रेटिक एटीट्यूड, रिजिड ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, नो फ्लेक्सिबिलिटी, लैक ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस, एम्पैथी टुवर्ड्स वल्नरेबल, अडेप्टेशन, ग्रीवेंस रिड्रेसल, सिटीजन चार्टर, सोशल ऑडिट, ये सारे के सारे भी रिफॉर्म्स हमने कर लिए हैं इंस्टीट्यूशंस में, तो ये भी आप एग्जांपल दे सकते हैं। वेरी गुड सिमरन, ठीक है, तो इनको भी अपन ऐड कर सकते हैं डेफिनेटली। देखो अब हम आते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 8, द एमर्जेंस ऑफ फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, डिजिटल रिवोल्यूशन हैज इनिशिएटेड ई गवर्नेंस एज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट। देखो इसी के बाद ही सारी की सारी चीजें आई हैं, इंटरनेट आया है, आपने वेबसाइट्स बनानी शुरू करी, एप्लीकेशंस बनाना शुरू करा, सर्विसेज ऑनलाइन डिलीवर करनी शुरू करी, प्रोडक्ट्स ऑनलाइन डिलीवर करना शुरू करा, तो इसने सारा का सारा ई गवर्नेंस को इंटीग्रल बना दिया हर फील्ड में ही, चाहे आप हेल्थ ले लो, एजुकेशन ले लो, एग्रीकल्चर ले लो, इकोनॉमी का कोई पार्ट ले लो, एमएसएमई, उनकी मॉनिटरिंग, ठीक है, LIN नंबर देना, ठीक है, सब कुछ, डीबीटी जो आपने किया, इंश्योरेंस फैसिलिटी आप पहुंचा रहे हो, यू थिंक ऑफ एनीथिंग, आपको लिंक करना है इस स्टेटमेंट को कि डिस्कस कि भाई जो एमर्जेंस रही फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन की यानी डिजिटल रिवोल्यूशन की, उसने इनिशिएट किया है ई गवर्नेंस एज इंटीग्रल पार्ट ऑफ गवर्नमेंट। इसमें सिर्फ हम ओवरऑल बात करेंगे, इसमें आप ग्लोबल एग्जाम्पल्स भी दे सकते हैं, ठीक है, जैसे ई गवर्नेंस के थ्रू आप पब्लिक सर्विस की डिलीवरी कर रहे हो, बिल्कुल कर रहे हैं, ठीक है, जैसे इंडिया में ईपीडीएस, पीडीएस सिस्टम में चल रहा है, हरियाणा में हम बात करते हैं सरल की, सरल ही है ना उसका नाम, जिसके थ्रू आपको कोई भी सर्विस चाहिए, आपको कोई सर्टिफिकेट बनवानी है, ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना है, तो आप सरल केंद्र में जाएं और वो बनवाएं,
इजी हो जाता है, टू द पॉइंट है, गुड इनफ। ठीक है, तो ये सारे के सारे जो मुद्दे हैं ऐसे हैं, तो ये हम कर ही रहे हैं। सिक्योरिटी और इन सब में भी ई गवर्नेंस कैसे हमारा आ रहा है, जैसे आपने सीसीटीवी लगाए तो ऑनलाइन मॉनिटरिंग चल रही है, वो पॉसिबल किसकी वजह से है, डिजिटल रिवोल्यूशन। ई गवर्नेंस में हम रूरल अर्बन डिवाइड डिजिटल हम जो पहुंचाना चाह रहे हैं गांवों तक, तो वो भी इसका एक हिस्सा हो चुका है। ठीक है, हमारे गवर्नमेंट का। तो आप एग्जांपल अलग अलग फील्ड्स में देंगे, आप एग्जांपल जैसे जेंडर में दो, शी बॉक्स, पेंसिल। सी बॉक्स हमारा क्या है, सेक्सुअल हरासमेंट को कंट्रोल करने के लिए इंडस्ट्रीज में। पेंसिल हमारा क्या है बताओ, पेंसिल किसके लिए यूज किया जाता है, पेंसिल पोर्टल बताइए, कमेंट करिए, आई एम वेटिंग। सरल पोर्टल, बिल्कुल सही। ठीक है भारती, ओके अब आते हैं हम नेक्स्ट में। देखिए इसको सारा का सारा लिंक करना है आपको कि कैसे ई गवर्नेंस की वजह से हमें फायदे भी हुए और कैसे आप इंटीग्रल पार्ट हो गए। अब तो और कोई सर्विसेज हम इमेजिन भी नहीं कर सकते कि विदाउट इसके अपन दे पाए। ठीक है, वेरी गुड भारती। चाइल्ड लेबर, चाइल्ड लेबर को आपका सीएल मैंने यहाँ पे वैसे लिख दिया था आपको हिंट देने के लिए। ठीक है रवि, चाइल्ड लेबर। विवेक, कोई बात नहीं यार, विवेक ने मैसेज रिट्रैक्ट कर लिया। सिमरन, कोई नहीं, ठीक है, चाइल्ड लेबर इज द राइट आंसर। हिमानी, गुड। विवेक, कोई नहीं, ऐसा चलते रहने दो, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं होती, आंसर सही भी होते हैं गलत भी होते हैं। ठीक है, मैसेज वापस नहीं कर। देखो नाउ डिफाइन कर दो ई गवर्नेंस इन इंडिया। स्टेडिली इवॉल्व्ड from computerization of the government department to initiative that encapsulate the final point of governance. Citizen centric हमारा हो चुका है, service oriented and transparency. Delivery से लेके grievance redressal से लेके everything हमारी E ही हो चुकी है। देखो अब E, अब इसमें देखते हैं। देखो सबसे पहले rising inequality, falling level of trust, political leader and their citizens becoming increasingly skeptical about the potential of further global integration to contribute to the national interest. ये इसमें क्या हो गया था सर? Basically ये बात कर रहे हैं कि जैसे हमारा क्यों आया ये कि ट्रस्ट आपका कम होता जा रहा था, तो हमने कहीं ना कहीं कि भाई ओपननेस और ट्रांसपेरेंसी हमारी आए। ठीक है, इंक्रीजिंगली ग्लोबल इंटीग्रेशन में, ठीक है, तो उसकी वजह से भी जैसे कैपिटलिज्म, ग्लोबलाइजेशन, उसकी वजह से भी हमारी इकोनॉमिकल इनइक्वालिटी बहुत बढ़ रही थी, तो उसमें भी अपने को रखना है कि कैसे इसको अपन कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही देखो जो हमारी पब्लिक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इंडिविजुअल्स हैं, उन्होंने रेंज ऑफ एमर्जिंग टेक्नोलॉजी एम्ब्रेस कर ली, इट नोज नो ज्योग्राफिकल पॉलिटिकल बाउंड्री। देखो फॉर एग्जाम्पल अपना ही ले लेते हैं, हमने जब से ई हम गवर्नेंस के वैसे इसमें एग्जाम्पल देंगे, गवर्नेंस में जैसे आपका टेलीमेडिसिन, टेली एजुकेशन, ठीक है, ऐसे ही इंडिविजुअल लेवल पे बोल सकते हैं कि भाई जैसे अलग अलग इंस्टीट्यूशंस, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, आपके हेल्थ इंस्टीट्यूशंस आ चुके हैं ऑनलाइन, ऐसे ही जैसे गवर्नमेंट जो है वो डायलॉग पंचायत को कनेक्ट कर रही थ्रू ऑप्टिकल फाइबर, ये भी बहुत बड़ा कैंपेन है। डिजिटल इंडिया जिसमें टेकन द टेलीकॉम डाटा एक्सेसिबिलिटी टू नुक्कड़ एंड कॉर्नर ऑफ द विलेजेस, इट इज एन इनिशियटिव टू स्ट्रेंथन इंडिया टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर। है टाइम हम ज्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, जब तक आप डिजिटली कनेक्ट नहीं हुए, आजकल तो सारी सर्विसेज इसी के थ्रू मिलेंगे, स्पेशली हाई एंड सर्विसेज। ठीक है, अब इंडिया तो ऑलरेडी एक नेशनल स्ट्रेटेजी हमने डेवलप कर ली है टू प्रिपेयर फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ए आई रिसर्च बेस्ड रोबस्ट इकोसिस्टम इन इंडिया। ठीक है, इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर ऑल रहेगा हमारा एक इनिशियटिव, यह है एक नीति आयोग का है एआई गैराज। ठीक है, जिसमें ये मेजरली फोकस कर रहे हैं हेल्थ, एजुकेशन, एग्रीकल्चर, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सैनिटेशन। ठीक है, आई थिंक ये पांच ही चीजें हैं, एक दो ऊपर नीचे हो सकती हैं बट मेजरली। ठीक है, नाउ इंडिया रेकॉर्ड एज वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर कंट्री, यूनिक इंटरफेस जैसे कि अपन ने बात करी थी, आधार, यूपीआई,
यूपीआई तो सबसे ज्यादा ट्रांजेक्शन हो चुके हैं वर्ल्ड के, ई सिग्नेचर, ई नाम, ई नाम भी हम कंट्री लेवल पे सारे के सारे जितने हमारे मार्केट हैं फार्मर्स के उनको अपन कनेक्ट कर चुके हैं, ठीक है। जीईएम, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस, ये समथिंग है। डिजी लॉकर, इट इज हेल्पिंग इंडिया बिकमिंग ए टेक्नोलॉजी लीडर थ्रू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑल्सो, ठीक है। तो आप अलग अलग एग्जाम्पल दे सकते हो कि कैसे इसने इनिशिएट किया, आपके पास अवेलेबिलिटी बढ़ी डिजिटल रिवोल्यूशन में, ठीक है। फिर हमारा ए फोर वाली ट्रिक भी यहाँ पे काम आ जाती है कि भाई इंटरनेट पहले अवेलेबल नहीं था, वो अवेलेबल हुआ, अफोर्डेबल हुआ, लोगों में अवेयरनेस आई, गवर्नमेंट की स्कीम्स धीरे धीरे आने लगी, ठीक है। पहले ऑफिस के चक्कर काटने पड़ते थे, अब घर बैठे सर्विसेज मिल जाती हैं गवर्नमेंट की, दिस काइंड ऑफ थिंग। एग्जाम्पल आप दे सकते हैं न्यू दिल्ली, वेरी गुड एग्जाम्पल, प्रोमिनेंट एग्जाम्पल। आप हरियाणा का एग्जाम्पल दे सकते हो, ठीक है। मॉनिटरिंग और इन सब में भी फीडबैक के लिए भी बहुत सारे हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, अब यहां पे है कि क्रिटिकली एग्जामिन द रोल ऑफ WHO इन प्रोवाइडिंग ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी ड्यूरिंग COVID-19 पैंडेमिक। अब यहां पे लिखा है क्रिटिकली एग्जामिन, ठीक है। क्रिटिकली एग्जामिन का मतलब ही है आपको पॉजिटिव नेगेटिव दोनों तरीके से रोल को एग्जामिन करना है, कितना अच्छा परफॉर्म किया, क्या चैलेंजेस रहे और क्या गड़बड़ है, ठीक है। डिजिटल अकाउंटिंग, क्लर्कल डाटा, एआई एंड डिफेंस, एग्रीकल्चर यूज, आईए एरिया प्रेडिक्ट मोर फर्टाइल, बिल्कुल ठीक है। एआई, वेरी गुड विवेक। चलो नाउ देखें, थोड़ा इंट्रोडक्शन के हिसाब से अपन बात कर सकते हैं कि WHO एस्टैब्लिश्ड इन 1948 टू वर्क फॉर ग्लोबल पब्लिक हेल्थ सिक्योरिटी, COVID-19 पेंडेमिक पुट अ शार्प फोकस ऑन फंक्शनिंग ऑफ द WHO। रोल क्या रहा, देखो इन्होंने बहुत सारा किया, जैसे वैक्सीन डेवलपमेंट से लेके ड्रग डिलीवरी से लेके आपका चाहे कम्युनिटी पार्टिसिपेशन बढ़ाना हो, फंड्स प्रोवाइड कराने हो, टेक्निक्स बतानी हो, तो उसमें भी अच्छा रहा। बट डिलेड रेस्पॉन्स रहा, चाइना को इतनी जल्दी उनके पास इन्फॉर्मेशन होने के बाद भी उन्होंने नहीं बताया, तो गड़बड़ भी रही। तो ये सारी चीजें रहेंगी। देखो रोल ऑफ WHO, एंश्योरिंग वाइटल सप्लाई टू रीच फ्रंटलाइन हेल्थ वर्कर थ्रू UN COVID-19 सप्लाई चेन टास्क फोर्स, कोवैक्स मशीन शेयरिंग प्रोग्राम जो था, एम्स टू डिस्ट्रीब्यूट 2 बिलियन डोजेस ऑफ COVID-19 फॉर फ्री एट रिड्यूस कॉस्ट बाय द एंड ऑफ 2021, ये WHO ने शुरू किया। ट्रेनिंग एंड मोबिलाइजेशन ऑफ हेल्थ वर्कर वाया इट्स ओपन WHO प्लेटफॉर्म, इन्होंने ट्रेन किया, ठीक है। अलग अलग देश हैं, दे ऑल्सो सपोर्टेड बाय द WHO's ग्लोबल आउटब्रेक अलर्ट एंड रेस्पॉन्स नेटवर्क GOARN, कि भाई कहां पे किस हिसाब से क्या प्रॉब्लम आने वाली है, ठीक है, आउटब्रेक होने वाला है, तो उसको ये कर देते और हो जाता, तो फायदे भी रहे। रिसर्च में ज्यादा इन्होंने वो हेल्प करी, एक्सेस टू द COVID-19 टूल्स, चाहे वो डायग्नोसिस के हों, ठीक है, चाहे वो ट्रीटमेंट के हों, सब चीजें एक्सेलरेटेड टू एक्सेलरेट द डेवलपमेंट ऑफ वैक्सीन, डायग्नोस्टिक, थेरेप्यूटिक, लॉन्च्ड अ सॉलिडैरिटी ट्रायल फॉर इन्वेस्टिगेटिंग पोटेंशियल ट्रीटमेंट ऑप्शन, क्या क्या हो सकते हैं उसके लिए सॉलिडैरिटी ट्रायल WHO ने लॉन्च करी। कोऑर्डिनेटिंग द ग्लोबल एफर्ट्स फॉर मिटिगेटिंग COVID-19 थ्रू आउट आप ग्लोब पे कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, ये इन्होंने काम किया अच्छे से। आपके चाहे विद इन द UN बाउंड्रीज हो, ये भी सारा देखा पेंडेमिक में, कंट्रीज को हेल्प किया टू प्रिपेयर एंड रेस्पॉन्ड बाय इशूइंग COVID-19 स्ट्रेटेजिक प्रिपेयरनेस एंड रेस्पॉन्स प्लान, यानी प्लान बना के दिया। सेटिंग अप ऑफ COVID-19 सॉलिडेटरी रेस्पॉन्स फंड ऑल्सो, फंड प्लान, ये सारी चीजें रही। प्रोवाइडिंग एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन थ्रू COVID-19 सिचुएशन रिपोर्ट्स, COVID-19 सिचुएशन ग्लोबल डैशबोर्ड, यहाँ पे इट इंक्लूड्स अराउंड 50 पीसेज ऑफ टेक्निकल एडवाइस, एक्सप्लोडिंग डेंजरस मिथ्स ऑल्सो, तो बहुत सारी चीजें जो आपकी चलती रहती हैं, ठीक है, ये भी बहुत ज्यादा जरूरी है इन द कंटेक्स्ट ऑफ फेक न्यूज एंड मिथ न्यूज, ठीक है, ये हम रखेंगे। WHO बैक्ड COVID-19 टेक्नोलॉजी एक्सेस पूल CTAP इज अ वन स्टॉप शॉप, यहां पे जितना भी डाटा है, CTAP याद रखेंगे, जो भी डाटा है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, साइंटिफिक नॉलेज है, ठीक है, तो इनको एक जगह लाने वाला WHO ही है। WHO's emergency use listing, it allows countries to accelerate their own regulatory approval process,
टू इम्पोर्ट एंड एडमिनिस्टर वैक्सीन, कौन सी वैक्सीन लानी है नहीं लानी है, तो ये सारा WHO कहीं ना कहीं कर ही रहा था। बट हमें थोड़ा सा इसमें बात वो भी लिख सकते हैं कि भाई डिलेड रेस्पॉन्स रहा, ठीक है, आपकी हम कह सकते हैं कि इंफॉर्मेशन पहले से होने के बाद भी WHO की तरफ से नेग्लेक्ट भी देखा गया, ठीक है, तो ये भी रहेगा। व्हाट इज द वे फॉरवर्ड, इसका जो मैंडेट है वो क्लैरिफाइड और नैरोड होना चाहिए, बिल्कुल सही, ठीक है, कि भाई इसी पे फोकस करना है, ये सब वो सब। WHO तो मल्टीपल फोकस है, बट हाँ अगर आप मिशन में मोड में इसमें लगोगे तो इसी पे फोकस। नेक्स्ट, एनफोर्सिएबल सैंक्शंस अगेंस्ट कंट्री जो आपके फेल टू कंप्लाई विद द मैंडेट, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। मतलब WHO ने कोई रिकमेंडेशन दी, आप मान ही नहीं रहे, तो क्या आप उसको कंटेन कर पाएंगे? तो आंसर इज नो, सारे की सारी कंट्रीज को मानना चाहिए। इंक्रीज अनटाइड फंडिंग, WHO में अभी जो सबसे बड़ा कंसर्न चल ही रहा है वो है लैक ऑफ फंडिंग, ठीक है, पहले जितने फंड इनको मिलते थे अब उतने फंड्स नहीं मिलते हैं, ठीक है, तो ये चीज ध्यान में रखेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, देखो, इंडियन डायस्पोरा हैज अ डिसिसिव रोल इन द पॉलिटिक्स एंड द इकोनॉमी ऑफ अमेरिका एंड द यूरोपियन कंट्री, कमेंट विद एग्जाम्पल। यहां पे सिर्फ एग्जाम्पल से ही बात चलेगी, जैसे मान लो बहुत अभी रिसेंट एग्जाम्पल हम क्या दें, ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, नैन्सी पॉली, ये इंडियन ओरिजिन की है क्या, एक और भी थी, ठीक है, आई थिंक नैन्सी पॉली भी इंडियन पेलोई व्हाटएवर, हाँ वो भी इंडियन ओरिजिन की है, ठीक है, तो आप अमेरिका और यूरोपियन कंट्रीज के ही एग्जाम्पल देंगे। देखो पॉलिटिक्स और इकोनॉमी में, इकोनॉमी में तो आप बोल सकते हैं कि जैसे यहाँ पे डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, कॉरपोरेट हाउसेस हैं, बहुत बड़े बड़े टाटा तक चला गया है, ठीक है, सब कुछ यहाँ पे हो गया है, सर्विस सेक्टर हो गया है, ये सब आप बोल सकते हैं, ठीक है। पॉलिटिक्स में कैसे, कि भाई डायस्पोरा बढ़ता ही बढ़ता जा रहा है, वन ऑफ द रिचेस्ट हम बोल सकते हैं कि आपकी ये मिडिल क्लास यहाँ की है, हमारे अमेरिका और यूरोप की, तो इनका रोल बहुत ज्यादा रहता है। देखो जिसके पास पैसा है वो वोटिंग को भी इन्फ्लुएंस करेगा ही करेगा, ठीक है, तो ये चीज हमारी हो जाएगी। नाउ PGPM, कनाडा डिफेंस मिनिस्टर, हमें देखो यूरोपियन कंट्रीज के कंटेक्स्ट में बात करनी है तो इकोनॉमी ऑफ अमेरिका, अमेरिका एंड यूरोप, तो आप फिजी कनाडा को थोड़ा सा अवॉइड कर सकते हैं विवेक, ठीक है, रशियन पार्लियामेंटेरियन, ठीक है, वैसे बट गुड एग्जाम्पल, कमला हैरिस, सॉरी, यस कमला हैरिस, ठीक है, नैन्सी भी इंडिया जैसा ही नाम लगता है, बट इट इज मोर लाइक वो, बट शी इज फ्रॉम USA, ठीक है। चलो देखिए, इंट्रोडक्शन, इंडियन डायस्पोरा एस्टिमेटेड टू बी द सेकेंड लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड आफ्टर चाइना, हैज अ डाइवर्सिफाइड ग्लोबल प्रेजेंस विद हाई कंसेंट्रेशन इन द रीजन सच एज मिडल ईस्ट, USA, मलेशिया, साउथ अमेरिका। देखो हमारा अमेरिका और यूरोपियन कंट्रीज में जो डायस्पोरा है इट इज हाईली स्किल्ड, ठीक है, हाई अर्निंग, हाईली रेस्पेक्टेड, तो ये पॉलिटिक्स और इकोनॉमी हर जगह आपका इन्फ्लुएंस रहेगा। पॉलिटिक्स बिना पैसे के नहीं चलती, पैसा कौन देगा, इंडियन देंगे, कॉर्पोरेट देंगे, आप वहां की इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करोगे ही करोगे, बड़ी बड़ी कंपनीज है, ठीक है, अब तो CEO, चाहे आप गूगल का बात कर लो, एप्पल की बात कर लो, पेप्सी की CEO थी हमारी, ठीक है, तो ये सारे के सारे आप इसमें एग्जाम्पल दे सकते हैं। देखो रोल इन द पॉलिटिक्स एंड द इकोनॉमी, एग्जाम्पल, इंडियंस होल्ड पोजिशन इन मैनी कंट्रीज ऑफ द यूरोप, जैसे कि इंग्लैंड, जर्मनी, नॉर्वे, ऑल्सो मैनी पीपल ऑफ द इंडियन ओरिजिन होल्ड टॉप पोलिटिकल पोजिशन इन मैनी कंट्रीज इन USA, जैसे कि सिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ रिपब्लिकन डेमोक्रेट एज वेल एज गवर्नमेंट। जनरल बातें हैं, अगर आपको कोई भी पर्टिकुलर एग्जाम्पल नेम याद आता है तो आप उस नेम को कोट करेंगे, जैसे दो तीन अपन ने डिस्कस करे, ये UK के प्रेसिडेंट का आप नाम बताएंगे, कमला हैरिस का आप नाम बताएंगे, कैनेडियन डिफेंस मिनिस्टर का भी आप हवाला दे सकते हैं, नॉट अ बैड थिंग। देखिए नॉट जस्ट पार्ट ऑफ इंडिया सॉफ्ट पावर बट ऑल्सो अ फुल्ली ट्रांसफरेबल पोलिटिकल वोट बैंक, ठीक है, क्योंकि सॉफ्ट पावर का पार्ट तो है ही, वहां पे जाके जो इंडिया की इमेज है, ठीक है, जो अच्छी इमेज बनाई जा रही है वो इन्हीं के थ्रू बनाई जा रही है, और अब तो वोट बैंक भी हो गया, अब वो वहां पे जाके वोट भी डालने लगे हैं, ये भी, ठीक है। इट प्लेड इन टर्निंग अराउंड डाउटिंग लेजिस्लेचर इनटू वोटिंग फॉर द इंडिया US न्यूक्लियर डील ऑल्सो, देखो इसमें बहुत बड़ा रोल रहा था इंडियन डायस्पोरा का, ठीक है, तो सिविल न्यूक्लियर डील
जो हमारी हुई थी इंडिया उसकी, वो इसी के वजह से पॉसिबल हो पाए। तो ये जनरली पॉलिटिक्स में भी जो आईआर और ये सब है कहीं ना कहीं, जैसे मान लो यूएसए है, वहां पे ज्यूज पॉलिटिक्स में बहुत रोल रहता है, अभी हमारा इंडियंस का भी होने लग गया है, तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। इकोनॉमिकल फ्रंट पे देखिए, माइग्रेंट्स रेमिटेंसेस तो भेजते ही हैं, पॉजिटिव सिस्टमेटिक इफेक्ट ऑन द बैलेंस ऑफ द पेमेंट, तो इट हेल्प्स टू ब्रिज वाइडर ट्रेड डेफिसिट, ये इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में। माइग्रेंट वर्कर फैसिलिटेटेड द फ्लो ऑफ टेक्टिक इंफॉर्मेशन, कमर्शियल बिजनेस आइडियाज, टेक्नोलॉजीज इनटू इंडिया, कई आपके यहाँ पे भी वापस आके काम करने लग जाते हैं, एंड दे कॉन्ट्रीब्यूट अ लॉट टू द सोसाइटी सोशली पॉलिटिकली इकोनॉमिकली इन एवरी से, ठीक है। वन ऑफ द रिचेस्ट माइनॉरिटी इन मैनी ऑफ द डेवलप्ड कंट्रीज इंडिया, एंड दे हेल्प देम टू लॉबी फॉर फेवरिंग टर्म्स रिगार्डिंग इंडियाज इंटरेस्ट, ये तो होता ही है, ठीक है। यूरोपियन कंट्रीज में भी देखने को मिलता है, अमेरिका में भी। यूरोपियन रीजन इंडियंस वर्किंग इन द प्राइवेट सेक्टर ऑफ द कंट्रीज लाइक यूके, जर्मनी, फ्रांस एंड नॉर्वे, मैंने एग्जाम्पल टाटा का एग्जाम्पल आप दे सकते हैं, ठीक है, जिन्होंने रेंज रोवर को खरीदा था, लैंड रोवर, रेंज रोवर, व्हाटएवर, उसको खरीदा था, ठीक है। तो ये आप एग्जाम्पल दे सकते हैं, बहुत सारे इंडियन कंपनीज अब ग्लोबल हो चुके हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी, इसको भी एक गुजराती इंडियन ने खरीद लिया था, ये एग्जाम्पल आप दे सकते हो। ऑल्सो माइग्रेशन ऑफ द लेस स्किल्ड लेबर, इट हैज ऑल्सो हेल्प्ड इन ब्रिजिंग डाउन डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया, ये इंडिया के कंटेक्स्ट में ज्यादा आ रहा है, ठीक है। तो ये हमारा, पर हमें ज्यादातर बात करनी थी कि कैसे डिसिसिव रोल इन द पॉलिटिक्स एंड द इकोनॉमी ऑफ आपका ये, ठीक है, हमें इनकी हेल्प के कंटेक्स्ट में ज्यादा बात करनी थी। IMF वाला एग्जाम्पल हम दे सकते हैं, गीता गोपीनाथ, यस, ठीक है। अब यहाँ पे आप काम करोगे, इन्वेस्टमेंट बहुत जा रही है, ठीक है, तो ये भी आप ध्यान में रख सकते हैं। UAE population, India hold 35%, ठीक है। IIT brain drain mostly, brain drain हम कह सकते हैं, देखो इंडिया में उन ब्रेन्स के लिए अपॉर्चुनिटी बहुत कम है, ठीक है, तो इसलिए वो ड्रेन हो जाता है, बट वो ड्रेन नहीं है, वहां से बहुत सारे आपके रेमिटेंसेस भी आते हैं। इंडिया इज वन ऑफ द हाईएस्ट रिसीवर ऑफ द लिमिट, $80 बिलियन तक तो रेमिटेंसेज आ रहे हैं, ठीक है। ये सारे एग्जाम्पल हम दे सकते हैं और हम उनकी इकोनॉमी में तो हेल्प कर सकते हैं, थोड़ा सा डाइवर्ट हो गया होगा बट स्टिल, ठीक है। नाउ देखो ये तो सारा कंप्लीट हो भी नहीं पाएगा और थोड़ा सा फिर गड़बड़ हो जाएगी, तो आज अपन इसको दस ही रखेंगे, एंड कल टुमारो वी विल हैव अ सेशन। टाइमिंग क्या रखनी है वो अभी डिसाइड कर सकते हैं, वैसे कल अपना सेशन उसका भी है जो HCS के मेंस टेस्ट सीरीज वाले जो बच्चे हैं उनका भी सेशन रहेगा, ठीक है। तो कल की टाइमिंग 7:30 ही रख लेंगे, 7:30 टू अपना वही 9, इनमें थोड़ा टाइम लग रहा है बिकॉज क्वेश्चन बहुत बड़े हैं, समझाने का बहुत कुछ है, इसी वजह से। डॉक्टर्स हैं, स्पेस साइंटिस्ट हैं, देर आर मैनी, ठीक है। चलो तो आज का अगेन देखो इतना ही सेशन हो पाएगा, एंड थोड़ा सा फिर वही है अगेन, क्वालिटी फिर आपको धीरे धीरे कॉम्प्रोमाइज होने लग जाती है, दिमाग भी भरसा जाता है। ऑलरेडी 1.5 घंटा हो चुका है और लगातार अगले 1.5 घंटे तक फिर से कंटिन्यू करना, इट इज लिटिल बिट डिफिकल्ट। सो आई विल वाइंड अप द सेशन, विल मीट टुमारो, टाइमिंग मोस्ट प्रोबेबली हम 7:30 to 9 ही रखेंगे फिर से, ठीक है। थोड़ा ऊपर नीचे करके अपन इसको कर लेंगे, डोंट वरी। इन बिटवीन वी विल सी कि पेपर 3 से रिलेटेड, बट वो तो अभी रेडी कर ही रहे हैं तो उसमें टाइम लगेगा, ठीक है। चलिए तो अगेन हाँ, लेंदी है डेफिनेटली, तो उसी वजह से थोड़ा थोड़ा टाइम लगाना पड़ेगा। पहले वाला अपना GS पेपर 1 2-2 घंटे में हो रहा था, यहाँ पे 3-3 घंटे लग रहे हैं, बट वी कैनॉट डू एनीथिंग, आराम आराम से कर लेंगे, कोई नहीं। चलिए ठीक है, सो थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग द सेशन, नाउ वी विल मीट टुमारो। मॉर्निंग में कोई क्लास नहीं, आराम से सोना और पढ़ लेना, उठ के पढ़ लेना, ठीक है। सो थैंक यू ऑल एंड विल मीट टुमारो, गुड बाय, टेक केयर।